चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करी चरण वंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। तमादि देवं करुणा निदानं तमाल वर्णं श्रुविदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपं। जं प्रवज कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस बार आप लोग बोलो और मैं सुनूंगा। कुछ कुछ माताएं तो मुंह खोल नहीं रही। कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा जो सके कारागार में प्रभु प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अजो अपि सन्न अपयात्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन्न प्रकृति समधिष्ठाय। कल आपसे सुनूंगा जो कल मेरे को बोल देगा ना मैं कल उसका इनाम दूंगा। मैं जो 10 कारण बताऊंगा जो मेरे को बोल देंगे थोड़े जो लिखे पड़े आप लोग कोशिश करना याद करने के लिए ठीक है। इसका पहला कारण बताए कहते अनुग्रहाय भक्तानां देहमाश्रितम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन कहते मैं अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए ही जन्म लेता हूँ। अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते कल जैसे हम जन्म महोत्सव करते जैसे भगवान राम जब जन्म लेते हैं प्रभु
इसलिए भगवान राम जब जन्म हुए, अगर जन्म नहीं होते तो फिर राम की जन्म उत्सव को ही मनाते। आज अभी 3 दिन तक हम कृष्ण कथा सुनेंगे, प्रभु राम की भी कथा सुनी, मेरी कथा में संपूर्ण डूब जाए, इनकी कल्याण है, मंगल हो। इसलिए वो अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं, कहते इसका पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब ब्राह्मण संत पृथ्वी गो ब्राह्मण को ऊपर में अत्याचार होने लगता है, पत्ता गिर जाते थे, सूखे पत्ते को खा खा करके 12,000 साल तपस्या की भगवान विष्णु को। विष्णु जब संतुष्ट हुए, बोले बेटा ब्रह्मा गो, बोले ठाकुर जी आप जैसे मेरे को एक लाला चाहिए। भगवान बोले भैया मेरे जैसे को तो होता ही नहीं, मैं तो असमर्थ तत्व हूँ, मेरे ऊपर की बात छोड़ दो, मेरे बराबर ही जब जगत में कोई नहीं। ठीक है तुम्हारी भजन में मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी बेटा बनकर के आऊंगा। इसलिए यही द्वापर युग में देवकी और वसुदेव बनकर के आए और ठाकुर जी उनकी बेटा बनकर के एक कंस के कारागार में प्रकट हुई। कितना कारण हो गया, कोई गिन रहे कि नहीं गिन रहे हो, कितना कारण हो गया, कितना कारण हो गया, 3 कारण हो गया। चौथा कारण बताए द्रोण और ये धरा, ये भी राजा और रानी थे। ये लोग पितामह ब्रह्मा को आराधना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले बेटा ब्रह्मा को क्या चाहते हो, बोले मेरे को ये वरदान चाहिए, जैसे स्वाभाविक रूप में एक बेटा माँ की कोख से जन्म लेता है, मैं चाहता हूँ मेरे कोख से आप जन्म लो, जैसे स्वाभाविक रूप में माँ लाते हैं, स्तन पान कराती हैं, अगर बच्चे की इच्छा हुई, अगर ये अगर मेरे लाला बनकर के आता ना, दिन भर में उसको गोद में लेकर मैं प्यार करती, भगवान बेटा बनकर के आ जाऊंगा हैं। लेकिन जब बामन देव एक पग में पूरा ब्रह्मलोक तक नाप लिए, दूसरे पग में अतल वितल तलातल सुतल पाताल तो लोक माप नाप लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, तो उन्होंने वरुण पास में जो बांध दिए, हम ठाकुर जी जोड़ी हमारी बड़ी प्यारी बनाई, तो हमसे ब्याह कर ले, शादी कर ले। बोले देखो मेरे साथ में ऑलरेडी सीता है, बोले इसकी शरीर में क्या रखा हुआ, हड्डी हड्डी, देख मैं कितने सुंदरी हूँ हैं, इसलिए मेरे से शादी कर ले। लेकिन भगवान राम कौन है, कहते रोना करने वाले नहीं, ये सीता जितने गड़बड़ करने वाली, इसको ही खा जाती हूँ। लक्ष्मण ने आदेश दिया इसका ना कान को काट दो, बांस लक्ष्मण ने ना कान को काट दी। अभी प्रश्न है फिर भगवान राम उसको स्वीकार क्यों नहीं किए, इसमें 2-3 कारण आता है। पहला कारण है कहती है माता सीता कौन है, बोले लक्ष्मी है। जैसे राधा रानी के बगैर कृष्ण कभी नहीं मिलते, उसी पार नहीं होना प्रभु राम को कोई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले जैसे राधे श्याम सीता राम लक्ष्मी नारायण, पहले किसका नाम आते हैं, सीता राम। बोले जब तक मैया सीता की कृपा नहीं हो तब तक क्या करने का, प्रभु राम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन सुपर्ण बोले ये गुरु है, ये अनंत देव ये गुरु है। इसलिए गुरु का काम क्या है, बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना, ये गुरु का काम है। लेकिन लक्ष्मण अंतर्यामी को जानते हैं, ये ऑलरेडी प्रभु राम के हृदय में बैठा चुकी हूँ, हर भगवान भाव ग्राही जनार्दन ठाकुर जी। इसलिए एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान काट दो, फिर कोई शादी करेगा उसको, कोई शादी करेगा दुनिया में, कोई भी शादी नहीं करेगा। इसलिए बोले प्रभु राम को तो हृदय में बैठा चुकी हो, अभी तो और किसी की बंद कर रहना नहीं, तू और किसी को पास में नहीं जानी चाहिए, नाक कान को काट दिए। फिर वही कृष्ण लीला में फिर ये क्या बन करके आई, बोल सकते हो कृष्ण लीला में ये कौन बन करके आई, बोलो कौन बोलेगा, बोले ये कुब्जा बन करके आई, तभी वो कुबड़ी बन करके आई। ठाकुर जी उसको सही करके फिर ठाकुर जी स्वीकार किया, देखो ये जो हमारी कृष्ण है ना वो ऐसे के देवता है, कृष्ण को शरण में जो एक बार आ गए ना,
हमारे कृष्ण किसी को त्याग नहीं दिया, किसी ना किसी रूप में त्याग नहीं दिया। जिसको किसी ने भी दुनिया में ग्रहण नहीं किया वो सबके सब हमारे कृष्ण ने ग्रहण किया। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण है वो सोलह कला में परिपूर्ण है, इसलिए आप गीता पढ़ करके देखो कृष्ण सब जगह में कहते हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सारे धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ। हे अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिस्त्यस्ति धनंजय, जब भगवान विराट रूप दिखाए बोले हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में मेरे कुछ है ही नहीं, सारा दुनिया का मालिक मैं हूँ, इसलिए हे अर्जुन मन मना भव मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरा ही भक्ति करो, पूजा करना तो मेरा ही करो। आप देखो कृष्ण गीता में सब जगह में मेरे 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 बोले। बोले ऐसे क्यों? बोले बोले समर्थ है, क्योंकि कृष्ण सोलह कला में परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, वो समर्थ है। इसलिए दुनिया में जिसको कोई ग्रहण नहीं किया ना उसको हमारी बांके बिहारी ने ग्रहण कर लिया, इसलिए ये बांके बिहारी बड़े दयालु है, कृष्ण बड़े दयालु है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। तुम लोग कोई भी जय नहीं बोलते, सब चुपचाप बैठे हो, जोर से बोलो जितने ठाकुर को जयकार दोगे ना, जय थोड़ी ठाकुर होगा, जय तो अपना होगा ना, जोर से बोलो। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, पता चले भैया मनो जो घर में कथा हो रही है, इसलिए इसलिए कहते ये सब कारण है। बोले और क्या कारण है? और छत के ऊपर में जो सखियां उनका दर्शन नहीं हो रहा था, मैंने त्रखा से जो खास सोचे हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर सर करेंगे तो दर्शन होगा, लेकिन प्रभु दर्शन करने वाले है ही नहीं। इतने में लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले लक्ष्मण कौन? बोले ये गुरु आचार्य। बोले आचार्य का काम क्या है? बोले जीव को भगवान से मिलाने का काम ये आचार्य का काम है। इतने में लक्ष्मण जी को तो कृपा करना ही पड़ेगा, इतने में भगवान राम एक बार जब दर्शन किए प्रभु राम रूप देख करके सब सखियां तो बेहोश हो गई, जब उनकी होश आई ना सब राम के पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमें ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण पहले मना कर रहा था, जिसमें सब गोपी बन कर गया है, कहते ये एक कारण है, हैं? और एक है वामन पुराण में आई वेद का जितने मंत्र थे वो मंत्र भी गोपी भाव से भजन कर रहे थे। देखो ये जो गोपी भाव ये कोई साधारण चीज नहीं मत समझो, अरे कृष्ण इनको साथ में नाच नचे किया सब किया, नहीं ये सब सब वेद के मंत्र वेद के ऋचाएं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ये सब के सब द्वापर युग में गोपी करके आए, नहीं तो शंकर जी क्यों गोपी बनकर रास दर्शन करने के लिए गए? शंकर जी स्वयं गोपी बनकर के जाते क्यों? ये गोपी साधारण नहीं है, इसलिए गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते थे। और एक कारण तो बहुत है लेकिन और एक कारण बता देता हूँ। बोले जिस समय आप सब जानते हो एक धोबी धोबी नहीं गई थी अपना पीहर गई थी, जब वापस आ रही थी शाम का समय में एक नदी पार करना पड़ता, उस समय बारिश ही हो रही थी, शाम हो गई थी, केवट ने इनकार कर दिया अभी तुमको बिताना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई पति ने पूछा पिछली रात तुम कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे बात, बोले जहां थी वहीं पर जीवन बिता, मैं राम नहीं हूं। रावण सीता को उठा करके लेकर के एक साल तक रख लिया लंका में, जब सीता वापस आई भगवान बराबर आसन दे दिया, मैं राम नहीं हूं। क्योंकि उसको पता नहीं था सीता जो रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, रामायण देखे कि नहीं, वो छाया सीता थी, नकली सीता थी, असली सीता तो प्रभु ने वहीं पर रख दिया था, वो नकली सीता थी, हैं? क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी, रावण उसको स्पर्श क्या करेगा, कहते ये नेत्रों से सीता को दर्शन भी नहीं कर सकता है, क्यों? कहते जो अपराकृत जो दिव्य है लक्ष्मी को ये जड़ नेत्र से दर्शन नहीं किया जा सकता है। करने के बाद जब लक्ष्मण को बोले चिता सजाओ, चिता क्यों सजाने के लिए बोले? बोले जो असली सीता को लेना और नकली सीता अंदर में प्रवेश करेगी, और अग्नि से असली सीता को ठाकुर जी फिर वहीं से लेकर के आए, लेकिन उसको तो पता नहीं था, उन्होंने ऐसे बाणी बोली, बाणी बोल तो ये बात पूरा राज्य राम को सीता को और
लक्ष्मण को देख करके त्याग देना पड़ा। जब त्याग दिया, हर साल प्रभु जी एक अश्वमेध यज्ञ करते थे, लेकिन वशिष्ठ जी बोले तभी यज्ञ कर सकते हो जब आपकी बाम पार्श्व में सीता हो, पत्नी के बगैर यज्ञ पूरी नहीं होती है। बोले तेरे पिता भी तो था कौशल्या कैके सुमित्रा, तू और किसी से शादी कर ले। लेकिन भगवान राम बोले नहीं, मैं दूसरे शादी कभी नहीं कर सकता। बोले और कोई उपाय बताओ। बोले स्वर्ण सीता बना करके आप बाम पार्श्व में रख करके यज्ञ कर सकते हो। बोले ये तो कर सकता हर समय, आप किसी रूप में भी कृष्ण को पास में एक बार चले जाओ, ठाकुर आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। कुबुड़ी हो, राक्षसी हो, कुछ भी हो, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं पूछे, जो कृष्ण का 16,108 पटानियां थी, जो 16,000 जो रानी जिसको नरकासुर ने बंद कर रखा था, वो राजकुमार को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद किया था, जब ठाकुर जी मुक्ति करके बोले पहुंचा देता हूँ, बोले हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? राक्षस ने हमें जोर जबरदस्ती उठा करके लाए थे, लेकिन हमारे बांके भी है सबको।
श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन के आए। बोले श्री नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते उनके पांच संतान थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। अभी जब राजा वृद्ध हो गए परजन बाबा, जब उनकी बच्चे का शादीशुदा हो गई, अरे बोले और संसार में नहीं रहनी चाहिए, अपना जिस काम के लिए भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर हमें क्यों दिया था। गुरु जी गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। पहले सुन रहे थे ना, भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ जब गर्भ में 7 महीना हो जाए बच्चे को ज्ञान आ जाता है, 1000 जन्म की बात उसको याद आता है, पहले पहले मैंने किया, फल स्वरूप कैसे माँ के पेट में आना पड़ा, ये टाटी पेशाब का थैली में कैसे मैं रह रहा हूँ, देखता है कौन उसो पति पत्नी कहाँ जिनके लिए मैं करता था, संसार में कोई रिश्ता नहीं, भगवान को पुकारता मेरे को ये नरक से निकालो। भगवान कहते हैं बताओ क्या करोगे, बोले कष्ट कर सकते हैं। कहते थे गुरु जी हम और संसार में प्रवेश करना नहीं चाहते, आपका श्री चरण में रह करके भजन करते हुए मुक्ति मार्ग में प्रशस्त करना चाहता हूँ। लेकिन जिसकी हृदय में बहुत ही कामना वासना होती थी, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते, गुरु जी कहते ठीक है बेटा घर में जाओ, घर में जा करके अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करना। ये लव मैरिज हमारे देश का चीज नहीं है, ये अंग्रेजी लोग करते हैं, ये हमारी चीज में देश में ये लव मैरिज नहीं है। आई लव यू कुछ दिन बाद में बोलेंगे, आई लीव यू कुछ दिन बाद में, आई किल यू फिर कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स के लिए नंबर लगाती, ये हमारी संस्कृति नहीं। गोरी ना काली ऐसे नहीं, फटो में गोरी दिखा दिया तो हो सकते काली होगी, पता नहीं कितना क्या क्या देख करके शादी करता, भी शादी नहीं ठीक थी तभी ये है। इसलिए कहते वरना जाति के अनुरूप शादी करना, लेकिन कब तक रहना घर में शादी करके 50 साल, उसको बाद में शास्त्र मना करता है। बोले 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजे, 50 साल के बाद में वृंदावन जाकर भजन करो। देखो इसमें अंक शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। इसी जीवन में प्रभु की भजन करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पाई न जई परलोक सवारा, जिनको ठाकुर जी ये मानव शरीर दे दिया, केवल जानवर जैसे खा पी करके घर गृहस्थी करके जा रहे। वो लकड़हार क्या करता था, लकड़ी काट करके उसको जला करके कोयला बनाता था और मार्केट में बेच करके 50-100 रुपया कमा करके अपना संसार चलाता था। राजा ने बोला भैया तू क्या कर रहे हो, बोले ये काम कर रहा हूँ। बोले देख आज से तेरे दुख खत्म, दुख तुम्हारे दूर हो जाएगा, तेरे को ये चंदन के बाग में दे देता हूँ, बाग सब दुख दूर हो जाएगी। उसको चंदन की बाग दे दिया। फिर जब 1 साल के बाद में आते ना, देखा वही काम कर रहा था 1 साल पहले जो करता था। बोले बेटा तू क्या कर रहे हो, बोले पहले जो करता था वही कर रहा हूँ। बोले नालायक तेरे को पता मैंने क्या दिया था, तेरे को ये चंदन की बाग दिया था, आप वृंदावन में जाओ 1 किलो प्योर लकड़ी चंदन की ढूंढो ना, 25-30-35-40 हजार रुपया में 1 किलो चंदन का लकड़ी, और एक पेड़ में कितना बताओ कितना किलो होगा, एक पेड़ नहीं तुमको करोड़ों करोड़ रुपया और पूरा बाग दिया, मानव शरीर दिए, 2 हाथ दिए जिन्हें दोनों हाथ से ठाकुर का सेवा कर सकते हैं, 2 काने दिए जिससे हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं, 1 जीवा दिया जिसमें कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं। इसलिए सबका मुक्ति का मार्ग बंद है, चंदन का बाग दिया, लेकिन हमने क्या किया इसको जला करके ना कोयला दाम में सब बेच दिया। मतलब क्या, ये मानव शरीर पा करके कुल 4 काम करके जीवन गमा दिया। दिन में 2 काम करते हैं, रात को 2 काम, दिन में 2 काम क्या, बोले पैसा कमाओ, पैसा से अपना परिवार,
जानवर नहीं जो बच्चे जन्म नहीं देता है, सूअर को देखो 10-10 बार बार बच्चे दे रहे हैं। खाने के लिए हम तो स्कूल कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी फिर नौकरी करके पैसा कमा कर खाते हैं। देखो जानवर को कौन सा यूनिवर्सिटी में गए, कौन स्कूल कॉलेज में। अगर यही काम करके अगर जीवन बिता दिया, भागवत कहता है तुमने मुक्ति की दरवाजा पर पहुंच करके मानो ये शरीर को ये चंदन की जो बाग थी जला करके कोयला दाम में तुमने बेच दिया, जिससे तुम मुक्ति पा सकते हो। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और कोई बात झूठा ही तो बोलते हैं ना। ये बात किसको सुनाते हैं? ऊपर जो लेटा हुआ उसको सुना रहे। बोले बेटा जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया ना, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। और तुमने जो कुछ जीवन में किया केवल झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहां से नहीं जा रहा। चौबन ये बन 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 शब्द आता है, लेकिन अगर प्रभु का भजन नहीं किया देखो फिर अंक क्या आता है। आना साठ साठ एक साठ मतलब क्या? फिर सठिया बन जाओगे, तेरे से भजन नहीं होगा। फिर सठिया बन जाओगे, इसलिए लख जन्म के बाद में एक बार ये जीवन दिए, बारंबार जीवन तुम्हें नहीं मिलेगी। भैया जितना जल्दी हो प्रभु की भजन में लग जाओ। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, कहते ये बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए। अच्छे तरह से सुनो, ये प्रहलाद कह रहे हैं बच्चियों को, उन्हें 4-5 उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण दिया, मिट्टी जब कच्चा मिट्टी हो बनाना वो बन जाएगी, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है ना, देखना उससे कुछ चीज नहीं बनी। जैसे कोरे कागज है, उसको ऊपर में जो लिखो वो तो दिखाई पड़ेगा। हाँ, और एक बार सुना देता हूँ, कल फिर पूछूंगा। देखो ठाकुर का नाम लेने का कितने महत्व है। कहते जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते। चित्रगुप्त कौन है? जीवन का सारे लिखा जोखा को जो करने वाले। बोले चित्रगुप्त रजिस्टर से इसका नाम को काट दो। बोले क्यों? बोले भगवान की आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, ये भूर भूग मोहजन तप सत्य लोग जब पार करते हुए वैकुंठ जाएगा, मैं इसको बीच में आरती उतारूंगा। तीसरा काम क्या है बोले इस बार? किसको याद है? हम लोग कोई कुछ याद नहीं करते, क्या चक्कर है? हाँ, तीसरा काम है, राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आ। बोले इसका नाम को रजिस्टर में लिख दे। बोले क्यों? रहे ना ये सीधा ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करके सही हो जाती है। पीछे पीछे एक सुंदर बालक आ रहा है और कपड़े, मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिलाती। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से कोई बालक है। उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की। हे ब्रज में हल्ला हो गया, भैया हमारे राजा के संतान होने वाले ही। जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो 6-6 महीना पहले से ही एक होता है गर्भ संस्कार। माताएं आप लोग ध्यान देकर सुनो, जिसको गर्भ संस्कार कहते हैं, इसका मतलब है अगर तुम्हारे पेट में बच्चे हैं, अगर उसी समय में आप सत्संग सुनो, रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो ना, अब जो कुछ माता सुनती है वो बच्चे। महाभारत युद्ध हो रहा था, इतने में द्रोणाचार्य ने चक्र भी हो रचना की, लेकिन एक अर्जुन का सिवाय किसको पता नहीं। अभी अर्जुन तो नारायण सैन्य को मारने के लिए चला गया, अभी चक्र भी भेद कम करेगा। अभिमन्यु ने बोला मैं करूंगा। बोले तेरे को कैसे पता? बोले जो मैं माँ के पेट में था, सुभद्रा जी के पेट में, मेरे पिताजी अर्जुन और माँ जब सो रहे थे, एक दिन सुभद्रा माँ को पूछे, सुभद्रा मेरे पिताजी को पूछे ये चक्र भी क्या होता है। अर्जुन ने ये चक्र भी कैसे भेद करेगा उन्होंने तो बता दिया। इतने में सुभद्रा सो गई, फिर उन्हें बताया नहीं, इसलिए मैं तो प्रवेश कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। भीम अर्जुन भीम और 4 पांडव बोले कोई चिंता नहीं, तुम चक्रियों को भेद कर लो, हम वापस ले आएंगे। अब महाभारत देखे होंगे, इतने बड़े गर्भ संस्कार है। माँ जो कुछ करेगा वो पेट में बच्चे उस सब सुनता है। अगर आप गीता रामायण भागवत को पढ़ो, आप देखना बच्चा इतने संस्कारी बन करके आएगा जो आप सोच नहीं सकते। बच्चा इतने संस्कारी बनेगा, लेकिन पेट में अगर बच्चा हो तुम्हारी, लेकिन उसी समय में तू उल्टा पुल्टा डिस्को, उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे, गंदी गंदी चीज खाओगे,
झगड़ा लड़ाई करोगे ना, देखना वो बच्चा भी ठीक विषय में। अब देखना कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिता माता के एकदम आदेश को पालना करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चा देखना एकदम इतने उद्दंड बनते हैं, एकदम ऐसे ही ऐसे लग रहा था आज रात को ही बच्चा का जन्म हो जाएगा। नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी गई। क्यों? भाभी गर्भवती है, भाभी बेटा को जन्म देगा फिर मेरे को नवलाख की हार मिलेगी। वो इसी भाव से ड्यूटी लगवा दो। अभी जो 8 से 10 बजे कुछ माता को ड्यूटी लगवाया, बोले उनको मजरा दे दिया और कुछ ढोलकी दे दी, बोले बैठ करके कीर्तन करो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय सबको सुला दी। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से बेटे को लेकर के आए और उन्होंने बेटे को रख करके उन्होंने कहा बेटी को ले गया, इसको पता ही नहीं पड़ा। अभी सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खुली, देखा सबके सब जोग माया के निद्रा में सोए पड़े हुए। बोले भैया भाभी क्या किया हालत है? उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा मैया जसोदा की गोद में किलकारी मारते हुए बड़े सुंदर एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया घर में कब बालक हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा, सबके सब सोए हुए। बोले ये पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, मेरे को नवलाख की हार मिलेगी। इतने में सुनंदा ने किया कि एक उन्होंने थाली लेकर के ना बड़े जोर से उन्होंने बजा बजा करके उन्होंने हल्ला मचा दी। बोले भैया नंद के लाला की, बोले भैया जग जाओ नंद के लाला है गयो है। बोले भैया भैया कहाँ पर ढूंढो? ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा वो माला जप कर रहे थे, लेकिन सोच रहे थे घर में छोरा कब होगा, घर में लाला कब होगा, घर में लाला यही सोच रहे थे। और सुनंदा जाकर के बोले भैया कमाल है गया है, आश्चर्य हो गया है। नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन कहा भैया बताओ? बोले 6 महीना पहले से बैठी हूँ नवला की हार के चक्कर में, बताओ मेरे को क्या मिलेगा बहन। बोले ले नवला के लिए बैठे नवला की हार तो ले ले। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया ना, और क्या चाहिए? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, और क्या दोगे? बोलो। बोले जो जमुना किनारे में जो गैया चरते है ना, जितने जमीन तेरे नाम पर लिख दिया जा। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया, और क्या? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी। नंद बाबा बोले ठीक है लो ये ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन बता तो घर में क्या हुआ है। बोले भैया तेरे घर में लाला हुआ है। जोर से ताली बजाओ। बोले श्री नंद के लाला की जय। इतने में नंद बाबा तो वही से ही दौड़ लगाए। जब उन्होंने लाला की मुख दर्शन की इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने संकल्प किया जितने ब्राह्मण संतों को हम 20 लाख गैया दान दूंगा और 7 दिन की पर्वत में दान दूंगा। बोले पहले संत ब्राह्मण को बुलाओ, स्वस्ति वाचन करके बच्चे को आशीर्वाद दो। सारे ब्राह्मण संत लोग आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिए। बोले जितने ब्रज में नाई को बोल दिया ढिंडरा पिटवा दो,
मेरे लाला की बधाई देने के लिए सारे ब्रजवासी आए, जितने गोपियां थी 84 गज की लहंगा चुंदरी पहन करके पूरा सारा शरीर को अलंकार से सजा करके दूध दही मक्खन लेकर के, और जितने ब्रजवासी धोती कुर्ता टोपी पहन करके बधाई देने के लिए आ रही थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, जब गोपियां आ रही थी कान में कुंडल पहनी रखी थी, ये कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोगों को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के नंदलाला को बधाई दे। कहते चोटी में जो सुंदर सुंदर फूलों की श्रृंगार की थी, वो एक एक फूल इनके चरण में गिर रहा था। बोले कारण? बोले जो कृष्ण को दर्शन करने जा रहे हैं उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो खोल करके यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे तो जब कृष्ण बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक करके ब्रज में प्रभु जी लीला करेंगे, उनका चरण को स्पर्श में मिलेगा। जितने ब्रज की गोपियां थी ये सब के सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो इस तरफ में मैया जसोदा की दल है, इस तरफ में नंद बाबा की दल है। पहले जसोदा माता जसोदा की जो दल गोपियों का दल है, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, और आप लोगों ने जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। क्या बोलोगे? जोर से। उसको बाद में फिर भाइयों का नंबर आएगा, देखेगा आवाज किसका ज्यादा है। ठीक है, जोर से बोलना। बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो गोपियों, ये बूढ़ी उम्र में लाला को मुख दर्शन तुम लोग का है। और जितने गोप लग थे, भैया आप लोगों का नंबर आ रहा है, अब देखते हैं आवाज किसका ज्यादा है। इसलिए उन्होंने गोप लोगों को, जितने नंद बाबा हैं, नंद बाबा वहां पर जितने गोप लोग थे, उन्होंने नंद बाबा सबको बोले, बोले ब्रजवासियों बधाई हो, बधाई हो। देखो इन्होंने उनको जिता दिया है। ये बाबा गड़बड़ी बाबा है, इसलिए इन्होंने बोले बधाई हो, बधाई हो। और जितने ब्रजवासी थे ना, सबके सब अपना हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो अच्छी तरह इसकी समझो, हमारी संस्कृति है, क्या संस्कृति है? सवेरे उठ करके पिता माता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले क्या करनी चाहिए। इसलिए भगवान राम सवेरे उठ कर क्या करते थे? बोले प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। भगवान ने स्वयं सवेरे उठ करके अपना पिता माता के चरण की चरण छूते थे। आप देखना, आप जिसकी चरण छूओगे ना, स्वाभाविक रूप में हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके अपना पिता माता, नहीं तो अपना सास ससुर को पहले चरण छुआ कर। कौन चरण छूता है? सब चुप, सब बैठे। देखो इधर सुनो, माताएं पहले सुन लो। हाँ देखो माताएं पहले सुन लो। देखो अगर सास ससुर के चरण छुएगा तो लाभ क्या? ये चीज तीन बेटे हैं, जो बहु सवेरे उठ करके सास के चरण छूती हैं, सास को सेवा करती हैं, घर का सारे संपत्ति किसको पास में? सोना चांदी घर में किसको पास में रहता है? सास ससुर के पास में। जब फिर वो बंटवारा होगी, जो बहु ज्यादा है ये लाभ, फिर क्या होगा? हृदय से जब आशीर्वाद निकलेगा, जब पिता माता के हृदय से आशीर्वाद निकलता है ना, शास्त्र में बताया अगर तुम्हारी भाग्य में कोई उल्टा पुल्टा चीज हो, कहते गुरुजन का चरण छोगे अगर आशीर्वाद मिलेगा तो ब्रह्मा इसको मिटा देता है, दुर्भाग्य को मिटा करके आपका सौभाग्य लिख देता है, इतने महिमा। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करो? पहले अपना गुरुजन पिता माता के चरणों को जरूर छुआ करो। देखो जो बहुए देख लो, जब आप पिता माता सास ससुर के चरण छुओगे, तुम्हारी बेटे देखेगा कि नहीं? तुम्हारी बहू देखेगी कि नहीं? तुम्हारी बेटी बेटा देखेंगे? नहीं। मेरी जो मैया थी क्या करती थी? सवेरे उठ करके अपना सास ससुर की सेवा करती थी, चरण छूती थी। उसको पर वही संस्कार पड़ेगा, वही संस्कार पड़ेगा। अगर खुद नहीं करोगे फिर तुम्हारी जो बहू होगी फिर तुम्हें पूछेगी कभी? पूछेगी नहीं, तुमने कभी पूछी ही नहीं। इसलिए नियम है सवेरे उठ करके अपना गुरुजन के चरण हमें छूनी चाहिए, पिता माता की सेवा हमें करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही हम फलते फूलेंगे। इसलिए जब यहाँ पर कृष्ण को सारे ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे थे, बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना
दे रहे थे इतने में सब लोग तो आ गए, लेकिन अभी दो लोग नहीं आए। बोले कौन? बोले श्री वृषभानंद महाराज और कृतिका सुंदर। ये कौन है? राधा रानी के पिताजी और माताजी। इनमें बड़ी मित्रता थी। अभी केवल यही ही नहीं आए, देखते देखते देखा दोनों प्रवेश किया। बोले अभी उत्सव प्रारंभ होनी चाहिए। इतने में एक गोप ने किया कि लेकर के कृतिका मैया जो सर पर मटकी में दूध दही घी लेकर के आई थी और ऊपर गिर रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी नंद बाबा बैठ बैठ करके मटक मटक करके देख रहे थे। जितने ब्रजवासी थे बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भय हुए। देखो सारे ब्रजवासी कितने आनंद ले रहे। आज का दिन तू नाच लेते कम से कम। नंद बाबा को पकड़ करके ले आए। बोले कहाँ ले आए? बोले हमारे गोस्वामी लोग इतने सुंदर वर्णना किया है, हैं कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन के चंपु ग्रंथ में। कहते नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ी, राजा का कंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। हाँ देखो शंकर जी कंठ में क्यों धारण किया, उसको मुंह में हृदय में क्यों धारण नहीं किया? बोले मेरे हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। हृदय में कोई गंदी चीज होना भैया हृदय में धारण मत करो। हैं ठाकुर जी का मेरे को सास ये बोल रहे थे हमारे घर में ये हो गया, बस देखना थोड़ी सी बात बोले हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भैया अगर ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं 100,000 रोज रोज हरिनाम करो। भगवान कहते हैं जो 100,000 हरिनाम नहीं करता है उसको हाथ का खाना मैं नहीं खाता हूँ। ज्यादा बोलना है ना माला लेकर भगवान का नाम जप करना, ज्यादा बोलने का ये जीवा की सत्प्रयोग है, इसी में ही है और किसी में नहीं है। माला लेकर भजन करो। आप बताओ रामायण क्यों हुई? ये सीता की वजह से। यद्यपि माँ सीता लक्ष्मी द्रौपदी भी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, लेकिन जगत को शिक्षा देते हैं सीता ने क्या की, उसने भी गलती की। बोले क्या की? जिस समय भगवान राम ने वो मारीची को पीछे चले गए, जो बाण मारे उधर राक्षस था वो जोर से बोले, बोले भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। सीता बोले तुमने सुना, लगता है तेरे भैया को ऊपर कोई विपत्ति आई, चाहो तुम जा भैया को रक्षा कर। लक्ष्मण बोले नहीं मेरे को भगवान राम बोल कर गए, ये जंगल है राक्षस लोग रहते हैं, कभी भी सीता को छोड़ करके नहीं जाना, मेरे को आदेश है, भैया का आदेश को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। इतने में सीता जी क्या बोली, मेरे को अभी पता चला तू साथ में क्यों आए थे, किस लिए आई थी? ओ तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा मेरे से शादी कर लोगे तुम? मैं शादी करने वाली नहीं। जो लक्ष्मण जिसको माँ मानती है अगर वो ऐसे बोले लक्ष्मण सहन कर सकता है? लक्ष्मण बोले अभी तक मैंने कभी भी प्रभु राम का आदेश को मैंने उल्लंघन नहीं किया, पहला बार मैं कर रहा हूँ। देखो माता जी एक चीज सावधान रहना, ये लक्ष्मण रेखा को मैं काट करके जा रहा हूँ, ये लक्ष्मण रेखा को कभी तुम पार नहीं करना। बोले कोई चिंता मत कर। लेकिन सीता ने क्या किया, दो गलती की। पहला गलती क्या की उन्होंने लक्ष्मण को उन्होंने कड़ी शब्द बुलाया, क्या मेरे से शादी करोगे, हैं राम मर जाएगा। दूसरे क्या बोली उन्होंने, ये लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार कर दी। फिर क्या किया, रावण उठा कर ले गया। देखो ये स्त्रियों के लिए बता रहे हैं भैया दो चीज से सावधान रहो। पहला चीज तो ये जीवा को चला मत, जितनी सारी लड़ाई ये माताओं से घर में होती, ये जीवा को उल्टा पुलटा काम में मत चलाए करो, नहीं तो घर में भी महाभारत घर में होगी। दूसरी काम किया, कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे तृतीय युग में रावण था,
उसी समय तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण हो गए, हमारी गली गलियों में रावण घूम रहे हैं। अगर स्त्रियों को अगर कभी लक्ष्मण रेखा पार करेगा ना, आपको पता होगा, फिर रावण तुम्हें उठा कर ले जाएगी। इसलिए वहां सिख्या देते हैं श्री भोले बाबा। इसलिए समुद्र मंथन से निकला कौन, सबसे पहले निकला जहर। लेकिन कहते यहाँ पर जो नंद उत्सव में सबसे पहले क्या निकला, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। कहते यहाँ सबसे पहले आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं जन्मोगी। बोले श्री नंद के लाला की जय। जो समुद्र मंथन कल हो रही थी उसमें 14 रत्न निकला था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, लेकिन जब भगवान जन्म हुए नंद बाबा इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात को उन्होंने लुटाया, कहते ब्राह्मण लोग तो वो गठल की कोने से गिरते गिरते जा रहा था, वो गली गलियों में अली गलियों में हीरे जवाहरात अली गलियों में गिरा हुआ था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रमा क्रीडन अभूत नृप, हे परीक्षित ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर। ये बाबा का वाहन कौन है, बोलो जोर से, नंदी। नंद बाबा 20 लाख गैया दान दिए, नंद श्री शंकर तो चक्कर में पड़े गए। बोले क्यों, जब 20 लाख गैया दान दे रहे, साधारण बात थोड़ी है। बोले ऐसे हो ना हो गैया दान देते थे भूल से, मेरे नंदी को अगर गैया मान कर दान दे देगा तो फिर मैं जाऊंगा कैसे चढ़ करके। इसलिए शंकर तो नंदी को पूछ को पकड़ लिए, बोले भैया मेरे नंदी दान में नहीं चली जाए। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, पार्वती भी दो बच्चे है, कौन कौन कार्तिक और गणेश। इसलिए कहते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अभी अभी मैया पार्वती डर गई, बोले मेरा मेरा बेटा भी गजानन है, ये हाथी के सुर हाथी के सर है, हो ना हो हाथी देते देते भूल से मेरे बेटे को तो दहा गई। बोले जब भगवान जन्म हुए वहां पर मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी प्रकट हो गई और उन्होंने आदेश दी, बोले इतने धन दौलत नंद बाबा की नंद बाबा लुटाए, जब तक ये दुनिया रहे तब तक याद रखे मेरे प्रियतम के जन्म उत्सव में नंद बाबा ने कितने दान दिया, क्या उन्होंने दान दिया। इसलिए लेकिन वहां सबके सब नृत्य कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां नृत्य नहीं कर रही थी। बोले कौन, बोले रोहिणी। बोले क्यों नहीं नाच रही थी, बोले वो प्रसीत पत्रिका। बोले जिसका पति कारागार में हो उसका पत्नी की सबको सामने कभी नाचेगी, कभी कभी नहीं नाच सकती है, इसलिए वो बड़ी दुखी होकर घर में बैठी हुई थी। नंद बाबा बोले भैया सबके सब नाच रहे हैं लेकिन घर की सदस्य कहाँ है, रोहिणी गुमसुम होकर बैठी हुई। वसुदेव महाराज बोले रोहिणी मेरे को पता हो तू प्रसिद्ध भत्रिका, लेकिन घर में तुम्ही दो ही स्त्री, एक रोहिणी एक जसोदा। अभी तो जसोदा ने बच्चा जन्म दिया, कुछ तो कर ही नहीं सकती, अभी इतने लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको स्वागत तो कौन करेगा, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। कम बंद कर रखे थे, उनकी इच्छा थी सबसे पहले मैं कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगा। उनने बलदेव प्रभु को ला करके उन्होंने कृष्ण को पास में जब लेटा दी ना, इतने में बलदेव प्रभु भी आंख खोल दी और सामने श्री कृष्ण को दर्शन किया। रोहिणी तो थोड़ी दुखी थी, लेकिन जब देखा बलदेव प्रभु आंख खोल दिए ना, इतने प्रसन्न हो गई, वो भी ठुमुक लगा करके नाचना शुरू कर दी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, ये रोहिणी बड़ी भाग्यवती। बोले क्यों भाग्यवती, बोले कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं लेकिन जन्म महोत्सव का आनंद कोई नहीं ले पाए। एक जो रोहिणी मथुरा की थी ये गोकुल में रहती थी, इसलिए कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद केवल इसने लिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते रोहिणी च महाभागा, ये महाभाग्यवती। अभी प्रभु जी आपके बधाई का कीर्तन सुनाएंगे, लगता है आप लोग बैठ बैठ कर बोर हो गए हो, और भी एक बार खड़े होकर के भगवान के उत्सव में नाच सकते हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाला जायो है।
मथुरा में चलते हैं। अभी जब श्री वसुदेव महाराज उन्होंने बेटी को ला कर अंदर में ले आए, आते ही अपने आप दरवाजा बंद हो गया, हथकड़ी बड़ी पड़ गई और पहरादार जो जग रहे थे, जो सो रहे थे, सबके सब जग गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, कल सुन रहे थे, जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को अपना सरबर लिए, सबके सब बंधन खोल रहे थे। मतलब जब हम ठाकुर जी को आगे रख करके कोई भी काम करोगे, सारे तुम्हारी बंधन खुल जाएगी। लेकिन जब माया को अंदर में ले आओगे ना, फिर क्या होगा, अपनी आप हथकड़ी बड़ी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर अपनी आप ताला बंद हो जाएगा। इतने में जो बच्ची ने रोई, जा करके पहरादार कंस को बोले, तेरे काल जन्म ले लिया। कंस तो भागते भागते आया, देखा बेटा नहीं बेटी। वसुदेव ने बहुत बहुत प्रार्थना की देवों की, तो मेरे छह छह बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी तो छोड़ दे, वो कहाँ सुनने वाला। क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी उसने ये नहीं बताया था बेटा होगा ना बेटी होगी। आकाशवाणी ने क्या बताया था, जो अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बन करके जन्म लेगा, उसने बेटा का नाम नहीं बताया। क्यों, अगर बेटा का नाम बोलता तो कल से डाउट हो जाता, उसने तो बेटा बताया, ये बेटी कैसे। लेकिन केवल उन्होंने संतान का नाम बताया था, इसलिए अभी तक थी वो जोग माया, क्योंकि देवों की हाथ में थी। लेकिन कंस स्पर्श होता ही कंस को राक्षस है, इसलिए वो कभी जोग माया को स्पर्श नहीं कर सकता है। वो स्पर्श करते ही हो गई महामाया। जब उसके लेकर के पछाड़ने के लिए गया, कंस को एक ठोकर मारे तो कंस वहीं पर गिर पड़ा और आकाश में जाकर के बोली, रे मुड़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले, ये तो मेरी देवी कुल देवी, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं।
फिर देवता लोग क्या मेरे साथ में धोखेबाजी की। फिर उन्होंने देवकी को माफी मांगी, बोले देवकी मेरे को क्या पता था ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। लेकिन देवता छोड़ झूठ बोले, वो तो सही बोले थे, लेकिन उसको पता नहीं चला ना क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बड़ी माफी मांगी। देवकी ने भी सांत्वना दी, लेकिन उसको क्या पता मेरे बेटा गोकुल में है, मेरे बेटा गोकुल में। इतने में कंस ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके बोला अभी बताओ क्या करनी चाहिए। इतने में खड़ी हो गई पुतना, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या, पुतना जिसकी पुत्र है ही नहीं, मेरा नाम ही पुतना, फिर पुत का क्या काम है। इसलिए कोई चिंता मत क्या करो, मैं एक महीना के अंदर में कहीं भी बच्चा जन्म लिया होगा मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, इसलिए मैं सबके सब में मार डालूंगी। इतने में नंदबाबा अभी तक बड़े उदासी थे, क्यों, पिता माता किसी लिए पैसा कमाते हैं, बच्चे के लिए है ना, मेरे बेटा कैसे खाएगा, मेरे बहू कहाँ रहेगी, घर में नाती पोती होएंगे, तभी तो पिता माता पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में कोई बच्चा था ही नहीं। इसलिए नंदबाबा बड़े उदासीन थे। उन्होंने बड़े दिनों हो गया कंस बड़ा राजा, ये छोटे मोटे राजा थे, बड़े दिनों से उन्होंने कभी त्याग से देने गए नहीं, बोले मेरे मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, फिर किसके लिए मैं लोभ करूं। लेकिन घर में जब कृष्ण जन्म हो गया ना, ए नंदबाबा का हृदय में तो लहर जागने लग गया, बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, नाती पोती होएंगे, घर में किलकारी मारते हुए खेलेंगे, बहू नुपुर पहन करके छमछम करके घर में चलेगी, घर की एकदम आनंद, उनको मन में तो तरह तरह का भावना आने गई। इसलिए नंदबाबा बोले देखो शुभ कार्य में बड़ा विपत्ति है, इसलिए पहले ये दुष्ट कंस बड़े दिन से कर नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ कर देने के लिए, मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं कंस को कर दे करके आता हूँ। जब वसुदेव महाराज कर देने के लिए आए, इतने में वसुदेव को क्या पता है, क्या पता मेरे बेटा गोकुल में है, लेकिन ये नंद को भी पता नहीं मेरे बेटा है, वो सोच रहा है चर ने आ करके बोल दिया, उन्होंने पुतना को भेज दिया, पुतना तो चली गई, एक महीना को अंदर में कहीं भी बच्चा होगा मारने के लिए। उनको पता चला नंद आया हुआ, भाई भाई लगते है दोनों, उन्होंने अपना एकांत में बुलाया, बोले नंद ज्यादा समय यहाँ मत रुका करो, हो ना हो ब्रज में कोई अनहोनी हो सकती है। इतने में नंद बाबा नारायण को बोले हे नारायण, ये बूढ़े उम्र में तुम्हारा बद का क्या तात्पर्य है, और हमारे टीकाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, अभी हमारे ये प्रभु जी आपको पुतना को मारेंगे, हमारे गौर सुंदर प्रभु जी बोलो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवत कथा श्रोत मंडली माताएं प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। नंद भवन में जब आनंद की लहरें छा रही थी उस समय पर सभी ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, और नंद बाबा तो दिमाग से निकल ही गया कि कंस को उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, तो वार्षिक कर देने के उद्देश्य से नंद बाबा अभी मथुरा चले गए, और उधर से मथुरा से कंस ने अपनी बहन पूतना को भेज दिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नंती पुरुग्राम व्रजादिषु। कहते हैं कंस द्वारा प्रेरित होके ये पूतना, इसका नाम ही क्या है, पूतना, पूतना अर्थात पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं, जो अपवित्र हो, यह पूतना छोटे छोटे बच्चों का रक्तपान करती हुई जहां भी नवजात शिशु पैदा हुए थे उनको मारती मारती और ब्रज में आई है। जैसे ही ब्रज में आई इस वहां ब्रज में तो सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नंद भवन में बधाई देते देते नृत्य गान उत्सव चल रहा था। अब ये पूतना ने भी बड़ा सुंदर रूप धारण करके और ब्रज में प्रवेश कर लिया।
यहाँ से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज मानो भयभीत हो गए कि पूतना ये तो अपवित्र है और ब्रजधाम तो चिन्मय धाम है, ब्रजधाम भगवान का नित्य धाम है और वहां पर ये अपवित्र, ये राक्षसी आखिर प्रवेश करी कैसे और ये अपवित्र वस्तु आखिर प्रवेश करती है कहाँ पर। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नयत्र श्रवणादिनि रक्ष अज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्तु सात्वताम् भर्तुर्यातुर्धानस्य तत्र हि। कह रहे हैं नयत्र श्रवणादिनि, जिस स्थान पर भगवान की कथा कीर्तन भागवत पाठ इत्यादि नहीं होता, भगवान की सेवा पूजा नहीं होती, उस स्थान पर ही यह अपवित्र वस्तु प्रवेश करती है। हमने बड़ा सुंदर घर बना रखा है, वहां पर बड़े अच्छे से सारी एक्सेसरीज भी है, बड़ा महंगा पेंट भी करवाया, बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल सोफा सेट सब चीज घर में उपलब्ध है, लेकिन मूल जो घर का प्राण स्वरूप ठाकुर जी की सेवा इत्यादि है, यदि वो नहीं होता तो क्या होगा, वहां पर भी पूतना का प्रवेश अवश्यम भावी है। पूतना वहां पर भी आकर क्या करेगी, उतल फुतल मचा देगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे अपवित्र स्थान पर जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन ना हो उस स्थान पर पूतना का प्रवेश होता है। और यहाँ ब्रज में, ब्रज तो चिन्मय धाम है, लेकिन क्योंकि अभी भगवान को लीला प्रकाशित करनी है, कृष्ण चाहते हैं ब्रजवासियों को अपना दर्शन देना। कृष्ण अभी 6 दिन के हैं, कृष्ण केवल मात्र 6 दिन के हैं और अभी घुटनों पर चलना भी नहीं जानते, लेकिन कृष्ण के रूप के चर्चे पूरे ब्रज में हो गए, सब ब्रजवासी चर्चा कर रहे हैं कि सुना है यशोदा ने बड़ा सुंदर लाला जन्म दिया है, अरे उसके रूप के चर्चे तो मथुरा तक फैले हुए हैं। लेकिन पहले के समय पर क्या होता था, माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती थी तो वो 21 दिन तक सूती का ग्रह होता ना, सूतक लग जाता था, तो माँ कभी बाहर नहीं निकलती थी, बच्चे भी बाहर नहीं निकालते थे। लेकिन कृष्ण क्योंकि भक्तवत्सल है, अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, तो क्या करें, इसीलिए पूतना को, कंस को प्रेरणा देके और पूतना को ब्रज धाम में बुला लिया। पूतना भी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके, इतना सुंदर स्वरूप उसने रूप बनाया है, ऐसा लग रहा था मानो कमल वन से साक्षात लक्ष्मी ही निकल कर आ रही है, अपने हाथों में कमल पुष्प हिलाती हिलाती, बड़े सुंदर चंद्र की शोभा को भी पराभूत करने वाली चमक चमकती हुई साड़ी, आंखों में बड़ा गहरा गहरा काजल लगाते हुए काले मेघों के समान, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प धारण कर रखे थे, कानों में सुंदर कुंडल, वक्षस्थल पे माला और ये सारे सुंदर श्रृंगार करके ब्रजवासियों के बीच ही मिल गई। और जैसे ही नंदे भवन में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही मैया यशोदा को बधाई देने लगी है, बोले यशोदे बधाई हो, मैंने सुना है तेरे घर लाला भयो है, अरे बूढ़ी उम्र में तेरे लाला के दर्शन करवे में बड़े दूर से आई हूँ, अब लाला के दर्शन तो करवा दे। जैसे ही मैया यशोदा ने लाला को पलने में सुलाया था, पूतना ने जैसे ही कृष्ण की ओर देखा, भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना भी भगी भगी गई, कहने लगी कि इतना सुंदर लाला, अरे इसको क्या कोई पालने में सुलाते हैं, इसको तो गोद में उठाकर और प्यार करना चाहिए, इसे क्यों भला पलने में सुला रखा है। जैसे ही कृष्ण की ओर पूतना ने देखा, भगवान ने तो आंख बंद कर ली। या हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि भगवान ने आखिर आंख बंद क्यों कर ली, भगवान मानो सोए हुए थे, लेकिन जैसे अंगारी, जैसे राख के अंदर जैसे आग छिपी होती होती है, उसी प्रकार भगवान का स्वरूप है, वही तेज से भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, तो उन्होंने आंखें बंद क्यों करी, इसके विषय में कई कई कारण बताए हमारे टीकाकार ने। कहते हैं बच्चों का स्वभाव होता है वो किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उनकी गोद में नहीं जाना चाहते। अभी पूतना आके और कृष्ण को गोद में लेगी, कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं ये दारी की आ गई कहां से, मैंने तो यहां को कभी देखो ना, तो इसीलिए आंख बंद करके उसकी गोद में जाने को मानो मना कर रहे हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि कृष्ण आए किस लिए हैं, कृष्ण का अवतार हुआ है पवित्र परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों को मारण करेंगे। कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं कि लगता है मंगलाचरण करना पड़ेगा, हमारा शुभारंभ पूतना से ही होगा, इसलिए कृष्ण मानो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हो। और एक कारण किसी संत का भाव है कि कृष्ण अभी सोच रहे हैं ये पूतना कौन है, ये अविद्या, ये पूतना ब्रज में सारे छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए आई है, और ब्रज में जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो तो साक्षात कृष्ण के सखा इत्यादि हैं, ब्रज की गोपियां हैं। कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं कि तू इतना गंदा उद्देश्य लेकर ब्रज में आई हो, तू मेरे सखाओं को मारना चाहती हो, जा मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। और एक संत बतलाते हैं कि कृष्ण अभी यहाँ आंख बंद करके मनी मन स्मरण कर रहे हैं भोले बाबा को,
कल हम सुन रहे थे ना किस प्रकार समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसका शंकर जी ने पान किया। कृष्ण मणिमन शंकर जी को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे भोले बाबा, मेरे उदर में तो अखंड विश्व ब्रह्मांड है, अगर मैंने विष का पान किया तो ये सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। दूध पीना मेरा काम और विष पीना आपका काम, इसलिए आंख बंद करके मानो कृष्ण जो है शंकर जी को स्मरण कर रहे हो। इसी प्रकार अनेक अनेक कारण बतलाते हुए हमारे टीकाकार लोग वर्णन करते हैं कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने तो समय नहीं वेस्ट करते हुए तुरंत ही कि कृष्ण को अपने स्तन पर लगाया और बलात् अपना स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण भी क्या किया, धीरे धीरे उसका दूध पान किया, दूध के बाद में उसका साक्षात उसका प्राण का शोषण करने लगे और पूतना तो वहां पर छटपटाने लगी, असहनीय पीड़ा हो रही है उसके मर्म से और वहां पर कह रही है सा मुंच मुंच इति, इस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे और कितना दूध पान करोगे, मुझे छोड़ दे बालक, इस प्रकार चित्कार करती हुई और सहन नहीं कर पाई। मणिमन सोचने लगी अपने भाई कंस के पास में ले जाती हूँ, कंस निश्चय ही कोई ना कोई उपाय कर देगा। इतने तो उसने अपना विराट स्वरूप धारण किया, त्रिगभ्यु थी, इतने विशाल शरीर था उसका, और कंस को पास में जाने के लिए शिशु को लेकर भागने लगी। भागते 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 जैसे ही कृष्ण ने उसके प्राणों को शोषण कर लिया वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ी है। कृष्ण यहाँ पर पूतना की छाती पर खेल रहे थे और पूतना गिरी तो कहाँ गिरी, जहाँ पर गाय चर रही थी, जहाँ पर ग्वाल बालों की फसल थी उस स्थान पर नहीं, कंस का एक बगीचा था। कंस का निर्देश था कि मेरे इस बगीचे के फल फूल इत्यादि कहीं भी भगवान की सेवा में नहीं लगने चाहिए, केवल मात्र मेरे भोग के लिए और मेरे अनुयायी के भोग के लिए है। तो कृष्ण ने क्या किया, उसी स्थान पर ले जाकर पूतना को गिरा दिया और सारा उपवन नष्ट हो गया। अभी ब्रजवासी चिंतित हो गए, मैया यशोदा तो मानो वहां पर मूर्छित ही हो गई थी, भागी भागी आई और देखा लाला को पूतना की छाती पर खेल रहा है। सभी ब्रजवासी डरते डरते वहां पर सीढ़ियां लगाए, सीढ़ी लगा के और कृष्ण को उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। पूतना का इतना भयानक स्वरूप था, उसकी आंखें इतनी गहरी एक झील की भांति, उसके कान तो ऐसे लग रहे थे मानो कोई गुफा के अंदर, कोई पर्वत के अंदर कोई गुफा हो, उसकी नाभि मानो एक जल शून्य हृद, उसके बाल मानो ताम्रवन, इस प्रकार टीकाकारों ने वर्णन किया है। उसके इतने विराट उसकी भुजा थी, ऐसा लग रहा था कोई सेतु बंधा हुआ हो, इतना भयानक स्वरूप था पूतना का। ब्रजवासी चढ़ते चढ़ते सोच रहे थे भैया कहीं इसने आंख खोल दी और तो हमें ही पूरा का पूरा ही निगल लेगी, हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन भयभीत होते होते किसी प्रकार कान्हा को पूतना की छाती से उतार लिया, मैया यशोदा को दे दी। मैया यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को लिया और आनंदित हो गई, उसे स्तन पान करवाया। मैया यशोदा विचार कर रही कि भैया लाला को किसी प्रकार नारायण ने रक्षा कर ली, किसी के मन में ये विचार ही नहीं आ रहा कि ये 6 दिन का बालक इतनी बड़ी राक्षसी को मार देगा। सब लोग क्या सोच रहे हैं कि नारायण भगवान नारायण ने मेरे लाला की आज रक्षा कर दी, क्योंकि कृष्ण भगवान है, ये चीज ब्रजवासी कभी मान ही नहीं सकते। अभी मैया ने सोचा कि आज मेरे लाला ने किसी मुर्दा को स्पर्श कर लिया तो क्या करें, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरजसार्भकम्, कह रहे गौमूत्र से स्नान करवाया, गाय के खुर से जो मिट्टी उठती है वो मिट्टी भी पवित्र होती है, उस मिट्टी को लेके ब्रज रज को लेकर कृष्ण को तिलक लगाया है, जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, ये बड़ा सुंदर रूप में तिलक लगाया कृष्ण को, द्वादश अंगों पर तिलक लगाया। कृष्ण भी मनीमन विचार कर रहे हैं कि मेरे नाम की कितनी महिमा है, आज मेरे ही नामों को पढ़ पढ़ के और मैया मुझे तिलक लगा रही है, सुरक्षा कवच लगा रही है। अभी मैया यशोदा ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और गैया की पूत से झाड़ा लगवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। जैसे ही नंद बाबा को ये बात पता चली वहां आकर वो तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सोच रहे थे भैया ये वसुदेव जरूर ही कोई ज्योतिषी है, वसुदेव ने मुझे कहा था कि तुम जल्दी जल्दी नंदगांव में चले जाओ, क्यों जल्दी जल्दी तुम गोकुल चले जाओ, वहां पर कोई अनिष्ट ना हो जाए, और यहां आकर देखा तो पूतना मरी हुई है। सारे ब्रजवासी प्रश्न करने लगे कि बाबा देख ये राक्षसी तो मर गई लेकिन नारायण ने हमारे लाला की रक्षा कर दी, मरी तो मरी पर क्या हुआ ना हमारे गोकुल मथुरा का रास्ता जाम कर गई, बता अब ये ट्रैफिक कैसे क्लियर करें। नंद बाबा ने भी कहा अपने घर घर से सब फरसे कुल्हाड़ी ले आओ, इसके हाथ पैर सब काट लो, यहीं पे यहीं पर पेड़ तो टूटे पड़े ही हैं, यहीं पर इसको आग लगा दो। जैसे ही पूतना के शरीर को आग लगाई है, दैयमानस्य देहस्य पुनर्सौरभ गोरख, कह रहे हैं वहां पर जैसे ही उसके शरीर को आग लगाई
अगुर कपूर चंदन की सुगंध आने लगी और सारे ब्रजवासी विचार कर रहे हैं क्या देवताओं ने कहीं पुष्प वृष्टि करी ना यहाँ पर इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। किसी के मन में विचार ही नहीं आ रहा कि पूतना के शरीर से ये अगुर कपूर चंदन की खुशबू आ रही है। परीक्षित महाराज यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि पूतना तो पापी नहीं थी, अरे उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। तब शुकदेव गोस्वामी कहते कि ना वो अपवित्र और रही नहीं, जिसको ठाकुर जी ने साक्षात स्पर्श कर लिया हो उसका कलेवर का अपवित्र रहेगा। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासना झिंगासया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। कहते हैं पूतना बाल घातिनी कौन आई थी, पूतना इसका नाम ही इतना गंदा है अपवित्र पूतना। बोले नाम गंदा है तो कम से कम काम तो अच्छा करती होगी। बोले नहीं बाल घातिनी छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी और मारने के साथ साथ किस कुल की थी, कोई अच्छी कुल की थी। बोले नहीं राक्षसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। चलो कोई नहीं राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी तो कम से कम आहार तो अच्छा लेती होगी। बोले नहीं रुधिरासना बच्चों का रक्तपान करती थी। रक्तपान करती थी अच्छा किसी सदुद्देश्य से ब्रज में आई थी क्या। बोले नहीं जिंगासया अपि हरे कृष्ण को मारने के लिए उद्देश्य से आई थी, अपने स्तन में कालकूट विष लेके एक छोटे बच्चे को मारने के लिए आई थी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, बोले झिंगा सया अपि हरिये स्तनम दत्वा सदगतिम, उसको सदगति प्रदान कर दी। क्या गति प्रदान करी, बोले उसे गोलोक वृंदावन में धात्री की गति प्रदान कर दी। बोले भैया कृष्ण जैसा दयालु तो और कोई हमने देखा ही नहीं, क्योंकि जो पूतना राक्षसी कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी उसने बस एकमात्र कुछ क्षण के लिए नाटक ही तो किया था कि इतने छोटे बालक को पल्ले में थोड़ी सुलाते हैं, उसे तो गोद में लेकर प्यार करते हैं। अरे बस ये दो मिनट के नाटक पे ठाकुर इतना रीझ गए कि उसको माँ की गति प्रदान कर दी। बोले हाँ ठाकुर जी इतने दयालु हैं। अच्छा यदि कोई इतना गंदा उद्देश्य लेकर आ रहा हो, ठाकुर जी ने उसे धात्री के समान गति दी है, यदि कोई सद्भावना से आए, यदि कोई कृष्ण कथा सुनने के लिए आप लोगों के समान श्रद्धा से आए और अपने इन चरणों से चल चल के हाथों में ठाकुर के लिए कोई यदि प्रिय वस्तु लेकर आए, पूतना तो विष लेकर आई थी ठाकुर ने फिर भी उसे ग्रहण किया, यदि कोई ठाकुर जी के लिए कुछ पुष्प कोई तुलसी या कुछ मिठाई लेकर आए तो ठाकुर जी उसे क्या प्रदान करेंगे। यदि कोई ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम भाव हो, वो तो राक्षसी थी ठाकुर को मारने आई थी, लेकिन यदि किसी का ठाकुर के प्रति प्रेम भाव हो तो ठाकुर उसे क्या प्रदान करेंगे। इस प्रकार शुभदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, अरे भजन करना हो तो एकमात्र कृष्ण का करो, क्योंकि ऐसे दयालु भगवान और कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे दयालु भगवान और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये पूतना लीला इसको श्रवण करने से क्या होगा, गोविंद लभते रतिम, अगर इस लीला का कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तो उसको निश्चय ही बांके बिहारी के चरणों में रतिमति प्राप्त होगी। और इसमें कई सारी शिक्षाएं भी है। आप देखो पूतना को जब कृष्ण उठाकर ले जा रहे थे उस समय पर उन्होंने किसी ऐसे स्थान पर नहीं गिराया जहां पर गोप लोगों के सारी फसल इत्यादि थी या गैया थी। कृष्ण ने पूतना को उसी स्थान पर गिराया जहां पर कंस का बगीचा था। कंस के बगीचे में क्योंकि उसका निर्देश था कि इसे केवल मात्र मेरी सेवा में लगा। भगवान कहते हैं कि यदि इस जगत की सारी वस्तुएं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, देखो इस बात को ध्यान से समझो, ये शरीर ये इस जड़ जगत की सारी चीजें भगवान ने बनाई है ना, और इस सारी चीजों से यदि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान हमें भी फलते फूलते रहेंगे, भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन यदि इसी वस्तुओं का प्रयोग हम अपने भोग के लिए करें तो भगवान उसी स्थान पर पूतना को भेज देंगे, पूतना आकर ऐसी जोर से गिरेगी कि सारा उपवन नष्ट कर देगी। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं देखो कि जो कुछ भी हम खाते हैं जो कुछ भी हम करते हैं भगवान को लक्ष्य करके भगवान को सेंटर में रख के ही सारी क्रियाएं करनी चाहिए। और इस प्रकार पूतना का उद्धार किया भगवान ने और इसके बाद कंस ने और दूसरे असुरों को भेजा, वो हम आगे श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी, ताली बजाओ फिर ताली बजाओ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। देखो इसमें प्रभु जी जो शिक्षा की बात बताई, पूतना को लेकर कहाँ गिरा दिया, बोले कंस की जो सुंदर सबसे प्यारा बगीचा थी,
क्यों वहां पर गिराया? बोले कंस बोलता था ये वन का कोई भी फल मूल कृष्ण सेवा में नहीं लगनी चाहिए और कोई कृष्ण भक्त ब्रजवासियों को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उतना को लेकर के वही गिरा दिया। ठीक है ना, इसलिए इसमें शिक्षा है, हमारी घर में जो कुछ खाना बनाते हो ध्यान देकर सुनो, इधर देखो, कम से कम 7 दिन तक कथा सुनोगे, कम से कम थोड़ी बहुत शिक्षा लेकर के जाओ। घर में जो कुछ हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, क्या करो, पहले ठाकुर को भोग लगाओ। सबसे पहले किसको भोग लगाओ, बोलो किसको भोग लगाओगे? ठाकुर जी को तुलसी दल दे करके भोग लगा सबसे पहले। इसलिए ये मनु संहिता कहता है, मनु संहिता का श्लोक है, बोले स्वान विष्टा समाचार न, बोले जो चीज ठाकुर जी को भोग में नहीं लगता है, संस्कृत समझते हो, स्वान मतलब कुत्ता, कभी ये जो रसोई जो खाना है स्वान विष्टा, कभी ये कुत्ते के विष्टा की बराबर है, जो चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगे। बोले जो पानी, कभी ये पानी मदिरा का सा और पानी पेशाब के बराबर है, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगी। इसलिए क्या करो, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठीक है, लेकिन उसमें एक समस्या आएगी। बोले क्या समस्या, ध्यान से सुनो इधर, कम से कम इतनी सी बात लेकर के जाओ हैं। इसलिए उसमें एक समस्या है, अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे तो ठाकुर को भोग ही नहीं लगेगा। जैसे नवरात्रि आई, देखना 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन नहीं खाते है ना, क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते है ना। क्या 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा है। इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कहते भैया ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाती है, उसका दो कथा आती है। एक तो भागवत में आई, जिस समय भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत बांट रहे थे, ये स्वर भानु नाम का दैत्य ने धोखे से अमृत पिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु पिया, ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को बुलाकर गले को काट दिए, जहां पर उसका मांस गिरा वहीं पर प्याज हुआ। इसलिए देखो मांस का रंग जैसे लाल लाल, प्याज भी लाल लाल है। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाकर अगर यहाँ पर प्याज को काटो पता लग जाएगा कहीं प्याज कट रही है, पता लगेगा कि नहीं। इसलिए प्याज, क्योंकि इसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से ही वो सृष्टि हुई है, इसलिए 9 दिन तक ये जो माँ की जो व्रत रखते हैं, इसलिए 9 दिन तक ये प्याज लहसुन को कोई ग्रहण नहीं करते। भगवान कृष्ण की सेवा में, राम की सेवा में, हनुमान जी की, शंकर माता है ना, इसलिए अगर कोई गैया बूढ़ी बन जाती थी उसको मारने नहीं दिया करते थे, यज्ञ करते थे, वो गैया को बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति थे, जब वो मंत्र बोलते थे जो बूढ़ी गैया जवानी बनकर के निकलती थी, इतने शक्ति थी मंत्र में। अभी आश्रम में कोई गैया बूढ़ी हो गई, वहां बलिदान दिया, सबको हाथ में बांट दिया आहुति डालने के लिए, हर तरह के व्यक्ति है, किसने ये मांस खाने के लिए लोभ कर लिया और राख में छुपा दिया। जब उन्हें 2 बार मंत्र पढ़े गैया प्रकट हुई, लेकिन जिस स्थान की गैया का मांस को छुपाया था वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ, वो भरा नहीं, क्यों, मांस को छुपाया। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया, देखा किसने खाने के लिए उसने छुपाया, अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर उन्होंने मांस को गाड़ दिए वहीं पर प्याज की पौधा होगी, जहां पर उन्होंने हड्डी गाड़ दिए लहसुन पैदा होगा, जहां पर खून का बूंद गिरी वहां मसूर डाल होगा। देखना मसूर डाल का आकृति आप देखोगे वो जैसे खून का जैसे बूंद गिरा हुआ, और जो प्याज भी देखोगे उसका जो आकृति ना, उसमें जो ऊपर में जो छिलका है सब चीज है वो मांस में जैसे पर्दा जैसे रहता है उसमें ठीक वैसे ही देखना। इसलिए ये चीज को किसी ठाकुर का सबब नहीं लगता, किसी भगवान स्वीकार उसको नहीं करते हैं। आप बोलोगे फिर हमारे पास में कैसे आ गया, आपकी घर में कैसे आ गया? बोले ये सब चीज को मुगल लोग ने लाए, ये मुसलमान लोग ने लाए, ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन पहले कोई हिंदू नहीं खाता था। हर घर घर में ठाकुर को पूजा होती थी, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना खाते थे हर घर, इसलिए पहले कोई हिंदू लेता नहीं था। आप देख लो तुम्हारे परिवार में भी
एक दो पीढ़ी परिवार में कहते तीन चीज घर में कोई नहीं घुसाते थे, उसको अपवित्र मानते थे सब चीज को। इसलिए भैया ये हमारी भोजन नहीं, ये सब मुगलों का भोजन है, अभी आप लोग ये चीज को त्याग दो और घर में जो खाना खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। मैंने पहले बताया था ना, ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना फिर धनी क्यों बना, क्योंकि इसलिए गरीब बना। आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाइयो। टीवी में देखे होंगे पेड़ में बैठी बैठ कर छुपा छुपा कर खा रहा था, भगवान बोले इसका फल तेरे को भुगतना पड़ेगा, इतने गरीबी बना इतने गरीब। पर धनी कब बना, जब पत्नी को पता चला इनके बचपन का दोस्त कृष्ण है, बोले भगवान को दर्शन के लिए जाओ जरूर कुछ ना कुछ देंगे, बोले खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, दो मुठे चिड़वा लेकर गए। देखे कि नहीं टीवी में, एक बार कृष्ण खाए, दो बार खाए, जब तीसरी बार खा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, नहीं नहीं आपने दो बार खा लिया मतलब उनको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी भी बार खाओगे ना मेरे लक्ष्मी को दासी बनना पड़ेगा। सुदाम जब आया क्या देखा, सोने की महल, पत्नी साधारण थी नहीं राजकुमारी बनकर बैठी हुई, देख करके पहचान तक भी नहीं पाई, बोले ये सब क्या है, बोले ठाकुर जी के लिए चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाई तो त्रिभुवन का राज्य दे दी, ये चीज को समझो। ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना घर में लक्ष्मी आएगी, घर में लक्ष्मी क्यों, जो ठाकुर लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण की, जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी लक्ष्मी खुश हो जाएगी और तुम्हें लक्ष्मी भर छुपा छुपा कर पैसा दे जाएगी, क्यों, तुम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा रहे हो। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगा, खुद खाए खुद बनाए और चट कर लिया, खुद बना कर बना लिया और खुद उसको खा लिए, ये पाप भोजन है। इसलिए उपनिषद कहता है इसम सर्वम जत किंता जगत है जगत, जगत में जो कुछ देख रहे हैं ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई, इसलिए क्या करो, बोले उसको भोग लगा करके ग्रहण करो, ठीक है ना। कथा से क्या लेकर के जाओगे, जो कुछ भोजन करोगे ठाकुर जी को जरूर भोग लगाओ, नहीं तो शास्त्र उसको निंदा करता है। कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मा कारणात है, और जो जो अपना लिए भोजन बनाते हैं खुद खाते हैं मेरे को भोग लगा करके, भुंजन्ते तु अघम, वो पाप भजन करते हैं। लेकिन यज्ञ शिष्टा से न संत मुच्यन्ते सर्व, जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उनको कोई भी पाप भोगना नहीं पड़ता है। इसलिए जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, घर घर में ठाकुर जी हो, घर घर में ठाकुर जी को पूजा सेवा हो, घर में जिस भोग कीर्तन कथा हो वही घर ही वृंदावन धाम है, वही लाल की बोले आज के आनंद की। हाँ प्रभु जी तुम खड़े, इसलिए अभी कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हो गए ना ठाकुर जी, अभी कितने बड़े हुए, जब बच्चा करबट लेता है आप बताओ तो कितने महीने, बताओ कितने महीना में बच्चा करवट लेता है। कृष्ण का जब 3 महीना हो गया ना, इतने में कृष्ण अपने आप करवट ले लिया, करवट ले लिया तो नंद बाबा तो खुश हो गए, बोले लाला का शरीर में ताकत आ गया है, इसलिए आज घर में उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हर काम में उन्होंने उत्सव मनाते थे। इसलिए उन्होंने इसमें उन्होंने सकटा स्वरूप उन्होंने बद किया है, उन्होंने कैसे सकटा स्वरूप बद किया, हमारी ये श्यामानंद प्रभु जी सकटा स्वरूप की आप कथा सुनाएंगे। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशाद श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत तुलसीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम कर उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ।
तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुग गुरुवर्ग सोपार से सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सोपार से सपरिकर राधा गोविंद जी समस्त स्रोत मंडली वैष्णव वृंद वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं समस्त चरण में आधम का यथा जो भी दंड स्वीकार। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार पूतना ने आके पूतना को ठाकुर जी ने उद्धार किया। एक दिन मैया कृष्ण को बड़े सुंदर स्तनपान करवा रहे थे। अब खाने के बाद थोड़ा कृष्ण को जम्भाई आया और ठाकुर जी ने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ सो जाता हूँ, तो ठाकुर जी सो गए। मैया ने जैसे कृष्ण को सुलाया कृष्ण की तरफ निहार रहे हैं, कृष्ण के इतने सुंदर मुख हो मैया ने देख रहे हैं कृष्ण की तरफ। अब इतने में झट करके कृष्ण ने क्या किया, करवट बदल दी। मैया तो छलांग लगा दिया, बोल रहे लाला तो बड़े हो गए हो, मेरा लाला बड़ा हो गया, अपने आप ही करवट ले लिया। अब ब्रज में पूरा का पूरा ब्रज में जो उत्सव होता है ना वो केवल बहाना ही ढूंढते हैं। अब कृष्ण ने करवट ले लिया और बिना उत्सव के थोड़ी ना रह सकते हैं। अब यशोमती मैया बोले तुरंत बुलाई नाई ब्रज में लगी बधाई और सब लोग बोले मैया बधाई हो सारे गोपियों को निमंत्रण किया गया और सारे गोपी वहां पे चले आए दौड़ दौड़ करके बोले मैया यशोदा बधाई हो सब लोग आके बधाई दे रहे हैं जोर जोर चिल्ला रहे हैं। मैया ने बोले अरे गोपियों चिल्लाओ मत, लाला के कच्चे नींद है अभी जग जाएगा तो मुझे बड़ा तंग करेगा। गोपियों बोले आपका खड़े खड़े तेरे मुंह देखने आए हैं के उस सब में बुलाए नाचेंगे गाएंगे नहीं खाएंगे पियेंगे शोर शराबा तो होगा। बोले यशोमती मैया बोले दो मिनट रुक जाओ मैं लाला की कोई व्यवस्था करता हूँ। तुरंत मैया ने धीरे से ठाकुर जी को पालकी से उठाया और दूर एक बैलगाड़ी एक सकट के ऊपर बड़े सुंदर उस सकट के ऊपर दूध दही मक्खन सब रखा हुआ है और सकट के ऊपर नीचे रख दिया लाला के नीचे। बड़े सुंदर ठाकुर जी को सुला दिया, बोले यहाँ तक उत्सव होगा, उत्सव में बड़े बड़े कीर्तन कथा होता है और उत्सव का जो मूल चीज क्या है चकाचक मालपुआ रबड़ी और नाचना गाना। बोले नाचना गाना में शोर शराबा तो होगा, लाला के जग जाएगा तो रोएगा उसको पकड़ूंगा या उस सबको देखूं, ब्रज गोपी तो मानेंगे नहीं। अब इतने में इसी भावना से मैया ने क्या किया कृष्ण को लेके सकट के नीचे रख दिया। अब इधर से जैसे ही आके देखते हैं कि अरे कुछ ग्वाल वालों को बोल दिया, छोटे छोटे ग्वाल वालों को बोले तुम वहां सकट के पास जाके खेलो और जैसे ही लाला जग जाए हमें बता देना तुरंत। तो सकट लोग जितने भी ग्वाल वाला सब सकट के पास चले गए खेल में लगे। अब इतने में मैया आ गए, बोले गोपियों चलो अब उत्सव करते हैं। अब इतने सुंदर उत्सव करके मंगल ध्वनि करने लगे, मंगल गीत करने लगे, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। विभीषण को राज तिलक किया और बोले मैं तुम्हें लंका दे रहा हूँ। तो प्रश्न उठता है प्रभु विभीषण ने शरणागति ले लिया आपने उसको लंका दे दिया, अब हो ना हो रावण अगर शरणागति हो जाए तो रावण को क्या दोगे, मेरे अयोध्या है ना रावण को अगर कहा फिर इसको दे दिया लंका उसको दे दिया अयोध्या रुकोगे कहाँ। बोले मेरे रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, मत भक्ता जित्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्तों जहाँ पे सत्संग करेंगे मेरे भक्तों जहाँ पे मेरे गुणगान करेंगे मेरे कीर्तन करेंगे मैं नित्य सदा निरंतर उसी स्थान पे रहूंगा। इस प्रकार भगवान देखने लगे कि मेरे बगैर उत्सव हो रहा है, मुझे ही उत्सव से अलग करके मेरा ही उत्सव है और मेरे लिए ही कीर्तन कर रहे भाई करवट लिया मैंने और उत्सव कर रहे हो मेरे लिए मुझे निमित्त करके उत्सव कर रहे हैं और मुझे कर दिया अलग। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, बड़े टांग पटक पटक के हाथ पटक पटक के आंख से आंसू निकालते निकालते जोर जोर से रोने लगे। बालानाम रोदनम बलम, बालकों का जो बल होता है वो कहाँ पे होता है, वो रोने में होता है। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं जोर जोर से रोऊंगा तो मैया यशोदा भाग के आके मुझे उत्सव में ले जाएंगे। कृष्ण भी सोच रहे हैं मैं चल के जाऊं लेकिन चलना सीखा ही नहीं, अब तो 3 महीने के हुए हैं अब तो करवट ही लिए हैं चलेंगे कैसे,
सोच रहे हैं रो लेता हूँ, जोर जोर से रोने लगे, लेकिन इतने जोर जोर से कीर्तन हो रहा था उस सब में किसी को सुनाई नहीं दिया। तत्सर्वं नैव श्रुतस्य कृष्णस्य परतत्त्वनाम, इस प्रकार का रोने के कारण भी कोई भी सुन नहीं पाए, उस सब में सब डूबे हुए हैं, भगवान के नाम कीर्तन में सब डूबे हुए हैं। अब इतने में सोच रहे हैं कृष्ण मैं वहां पे कैसे जाऊं। अब कृष्ण के जो जोग माया शक्ति देवी है, जो जोग माया देवी है, उन्होंने प्रभु की इच्छा को जान के वहां पे कंस को प्रेरित किया और कंस ने ये शक्तासुर को भेज दिया। ये शक्तासुर को जैसे देखा ब्रज में भागे भागे शक्तासुर आया और कृष्ण ने देखा, बोले भ्रुकुट टेढ़ी करके बोले मामा जी आ गए, बोले मामा जी आ गए, पहले तो 6 दिन में मौसी आए थे, अब मामा जी आ गए, बताओ मामा जी कैसे, कंस कौन है, कृष्ण के मामा है और मामा के घर के गांव के सब लोग सबरे मामा ही होते हैं। तो बोले मामा जी आ गए, चलो मामा जी जल्दी करके आ जाओ, अब बड़े स्वागत करूंगा। तब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये शक्तासुर कौन है, जो शक्तासुर कौन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े बड़े मुनि ऋषि ध्यान करते हैं फिर भी ब्रज के रज को भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए ब्रह्मा शिव जी उद्धव जैसे महाभागवत स्तुति ध्यान तपस्या करते हैं फिर भी नहीं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिव जी गोपीश्वर बनते हैं, नारद कुंड बनते हैं, उद्धव घास बनते हैं इस प्रकार, और लक्ष्मी बेल वन में अभी भी तपस्या करते हैं फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। तो बता रहे हैं कि ये कौन है ये असुर, तो बोल रहे हैं देखो ये शक्तासुर कौन है ना, ये सत्य युग में जो हिरण्याक्ष था ना उसके बेटा ये उत्कच है। तो किसी समय ये उत्कच ने लोमस ऋषि के एक बड़े सुंदर सुंदर बगीचा था, वो बगीचा को उघाड़ देता था, तो लोमस ऋषि ने इनको अभिशाप दे दिया कि तुम्हारे शरीर पे बड़ा अभिमान है, जाओ तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो जाए, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, शरीर रहता है तब तो तुम उत्पटन करते, शरीर नहीं रहेगा तो तुम कैसे बगीचा को उगाड़ोगे। तब वहां पे उन्होंने लोमस मुनि के चरणों में पकड़ के बोले प्रभु कृपा करो। तब लोमस मुनि ने बोला था द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे और कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वैष्णव के आशीर्वाद से ही भगवान प्राप्त होते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तब वहां पे बता रहे हैं कि ये शक्तासुर आ गया और देखा कि जैसे ही बाल कृष्ण के स्वरूप एक शकट के नीचे हैं और शकट के ऊपर दधि माखन मिश्री सब भरे पड़े हुए हैं, शकट को दबा दूं तो बालक वही शकट के अंदर ही दब के मर जाएगा, ऐसे कूर बुद्धि पे शक्तासुर वहां पे आके शकट को दबाने लगता है। अब भगवान ने वहां पे ऐसे एक ठोकर मारते हैं पूरा का जितने भी शकट धराम करके वहां पे शकट टूट जाता है और दधि मक्खन मिश्री सब टूट के बिखर जाता है। अब इतने जोर के शब्द होता है जो ब्रजगोपियां और यशोमती मैया दूर बैठे कीर्तन कर रहे थे उनके कानों में ये शब्द जाता है और ये शब्द सुन करके मैया भागे भागे गोपियों के साथ आए, मैया ने जोर से चिल्लाया अरे मेरे लाला को क्या हो गया। तब वहां पे ब्रजगोपियों ने धीरे से शकट के नीचे से कृष्ण को उठाया और मैया को गोद में लिया, मैया ने स्तनपान कराया और जैसे ही ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर मंद मंद मुस्कुराया मैया के जान में थोड़ा जान आ गया। लेकिन ब्रजगोपी बोल रही है ये तो बड़े कमाल हो गए हो, लिखा कमाल हो गए हो, ना आंधी ना तूफान ना बेल ना सांड कुछ भी आए नहीं और ये शकट धम से टूट गया, कुछ भी नहीं है शकट कैसे टूट गया। तब सच में मैया सोच रहे हैं कि मेरे लाला के ऊपर नहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया, मेरे लाला के ऊपर तो कितने सारे ग्रह आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कोई आके उठा के लाला को ले जाते हैं, अब ये शकट टूट जाना। तब वहां पे एक छोटे छोटे बालक खेल रहे थे ग्वाल वाले, वो लोग दौड़ते हुए आए बोले मैया मैया, बड़े तोतली तोतली वाणी में, 3 साल का उम्र, तीन महीने है ना, ठीक से बोल नहीं पा रहे, बोले मैया मैया, बोले कहाँ हो, हमने देखा तुम्हारे लाला रो रहा था, जैसे ही हमने लाला को वहां पे देखने के लिए गए लाला काहे को रो रही है, तो हमने देखा तारे लाला तो एक लात मारा और उसी लात में क्या हुआ ये शकट टूट के ढम करके गिर गया हवा में। मैया बोल रहे दारी के तुम लोग के भांग खा के घर से निकले हुए ओके, नेक से बालक कहां शकट, इतने छोटे से 3 महीने के बालक और शकट को मार के हवा में उड़ा दिया, पागल। बोलने तैवं विश्वास जोगेनं गोपं बालमिथ्यता, बोले बालक जो भासी है वो बालक सब मिथ्या कर बात कर रहे हैं, नैवं विश्वास, हम विश्वास नहीं किए इस बारे में
और विश्वास नहीं करके बोले चलो बालक तो झूठ मूठ बोलते हैं। बालक बोले हम सुगंध खाते हैं भैया, हम शपथ लेते हैं, हमने पूरा अपने आंखों से ही देखा तेरे लाला ने ऐसे लात मारा कि सगट को भांग तोड़ दिया। तो बालक के बाद तो कोई विश्वास ही नहीं किया, बालक तो बोलते ही रहते हैं। तो वहां पे देखो, यहाँ पे एक बात है, गोप को जो गोप जाति है, जो गो जाति के गोप के जो मूल संपत्ति क्या है, दूध और दही, और उनमें भी जो सकट है उनके लिए वो लक्ष्मी स्वरूपा है, सकट गाड़ी है, सकट गाड़ी को लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो यहाँ पे सकट भी टूट गया और दही माखन मिश्री भी सब नीचे गिर गया, दही और माखन दूध सब गिर जाना अपशगुन होता है, अमंगल सूचक है, इनके आराध्य लक्ष्मी स्वरूप मानते। तब गोपी ने बोला देख ये तो अमंगल हो गया, अब ब्राह्मण को बुलाओ। अब ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण ने फिर पुनः ठाकुर जी को बड़े सुंदर से वहां पे यशोमती मैया गोरज और गोबर से विप्रु जी बता रहे थे ना, कुछ भी हो जाए तो मैया बोलते हैं मेरे लाला के ऊपर भूत प्रेत आ गया था, वो टल रहा है, कहीं कुछ ना अलाई वलाई कोई ग्रह दशा लग गया है मेरे लाला के ऊपर। गोबर से गोमूत्र ने स्नापे था, गोमूत्र से स्नान करवाते हैं और गाय के पूछ से झाड़ते हैं और सुंदर सुंदर द्वादश तिलक करते हैं। तब ये सब करने के बाद ब्राह्मण लोग वहाँ पे ठाकुर जी के मंगल कामना करते हुए सुस्ती वाचन किया और वहाँ पे बड़े नंद बाबा ने दान देते हैं। आज तो अगर ये सकट अगर हो ना हो, अगर थोड़े भी ठाकुर के शरीर में मेरे लाला के शरीर में लग जाता तो अब तो क्या हो, मेरे प्राण ही हर जाता। इसीलिए हमारे कुल के देवता जो नारायण है ना, ये हमारे ठाकुर के ऊपर बड़े कृपा करके ये सकट थोड़ा दूर जाके गिरा, ये सकट थोड़ा दूर जाके गिरा, कोई मान ही नहीं रहा है कि कृष्णा क्या किए, सकट सकट को मार दिए। अब इतने में बता रहे हैं कि सकट से कृष्ण को तो उस समय ले आए और फिर से कीर्तन करना शुरू करते हैं। तो इसमें विशेष करके हमारे टीकाकार दो शिक्षा बता रहे हैं, विशेष करके दो शिक्षा यहाँ पे बता रहे हैं। एक शिक्षा क्या है ना, उत्सव। उत्सव का क्या अर्थ है यहाँ पे बता रहे हैं कि उत अर्थ निकालना, सब अर्थ सभी। जहां पे अगर ठाकुर जी को अगर निकाल दिया जाएगा तो वो उत्सव नहीं, केवल सब सब ही है, केवल मृत शरीर ही है, वो उत्सव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जन्मदिन कहीं एनिवर्सरी क्या क्या होता है तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के मंदिर को लॉक कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, चकाचक वहाँ पे जो ठाकुर जी को भोग भोग सबको हटा करके वहाँ से मांस मछली मदिरा कितने बोतल तोड़ते हैं। तो गुरुपाद पद्म बोलते हैं किसी के जन्मदिन पर इस प्रकार का अगर अमंगल जीव हिंसा हो तो उसका कोई कल्याण हो सकता है, उसका आयु अगर यम महाराज कहते हैं 100 साल अगर उसका आयु हो तो उसका आयु घट जाता है, आधा घट जाता है उसका आयु। आजकल कलिकाल का आयु जो है 100 साल है शास्त्र में बता रहे, फिर भी 100 साल नहीं जी पा रहे, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे उम्र में ही हैप्पी बर्थडे टू यू करके मुर्गा को मोड़ देते हैं, फोर व्हीलर को काट के वहीं पे भी बांट देते हैं। जहाँ पे भगवान को निकाल दिया गया, जहाँ पे भगवान को अस्तित्व को निकाल दिया गया तो बता रहे हैं वो केवल सब मात्र ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए उत्सव मनाओ, घर में बड़े सुंदर सुंदर संत को बुलाओ, कीर्तन करो और कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके भोग लगा करके उसको निवेदन करो। इसमें क्या होगा, सबका भी कल्याण होगा और जिसके निमित्त ये उत्सव हो रहा है उसका भी निश्चित रूप में कल्याण ही होगा। तो बता रहे हैं उत्सव अर्थात कृष्ण केंद्रित करके, कृष्ण को बीच में रख के, कृष्ण को मूल में रख के हमें क्या करना चाहिए, ये सारे उत्सव आदि करना चाहिए। दूसरे यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि कृष्ण कौन है, ये सारे जगत की जो मूल संपत्ति है कौन है ना, कृष्ण है। अब कृष्ण को तो सुला दिया नीचे, और जागतिक संपत्ति क्या है ना, इस जगत का जितने भी जागतिक संपत्ति उसको रख दिया ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर, कृष्ण को नीचे कर दिया। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि भाई मुझे, मैं जगत का पूरा संपत्ति हूँ और मुझे नीचे रख दिया और मेरे ऊपर ये, इसको इतने प्यार है तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो तुरंत सकटासुर को बुलाया, सारे दूध दही को वहीं सारे के सारे सकट को तोड़ दिया। तो बता रहे हैं कि देखो कृष्ण प्रेम से, जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है वो ही वास्तव में हमारे साथ जाएगा। इस जगत में हम कितने भी कमा ले, कितने भी कुछ कर ले तो उस जितने भी पैसा है, जितने भी धन संपत्ति, अंतिम समय में वो हमारे साथ नहीं जाएगा। अब बताओ मुकेश अंबानी कहीं अगर मर गया, दूसरे घर कहीं जन्म हो गया तो वो करोड़पति बन के जन्म होगा क्या, होगा। लेकिन भक्ति ऐसा एक चीज है जो नष्ट नहीं होता है, जगत के सारे चीज, जगत के सारे ज्ञान भी नष्ट हो जाते हैं
कभी इस जन्म में डॉक्टर बन के मर गया तो दूसरे जन्म में क्या डॉक्टर बन के आएगा क्या? डॉक्टर बन के भी नहीं आएगा, ऐसे ही नॉर्मल है। लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होता है। भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भक्ति थोड़ा सा भी अगर कहीं से अगर रुक गया है किसी कारण वशत, तो पुनर्जन्म में फिर वहाँ क्या होता है, वहीं से सृष्टि होता है, वहीं से फिर शुरू होता है। भक्ति का कोई कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, मैं सारे जगत का पूरा मूल संपत्ति हूँ, मुझे नीचे रख के सारे जो जागतिक संपत्ति को ऊपर रख दिया, तो बता रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उस सारे संपत्ति को भी नष्ट कर दिया। इसी प्रकार ठाकुर जी ने ये प्रकटासुर को वध किया, और फिर आगे आगे बहुत सारे असुर भी आएंगे, सबको वध करेंगे ठाकुर जी एक एक करके। गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, बांछा कर भद्र शिव पास सुंदर जगत कानन करेंगे। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की, तुलसी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन मैया जसोदा लाला को जैसे माताएं क्या करती है, पकड़ कर उछालती है ना ऐसे ऊपर, इतने में कृष्ण सोच रहे हैं क्या मैया कर रही है, मेरे को थोड़ी दूर उछाल रही है, कुछ दिन बाद में तो घर घर में मक्खन चोरी करूंगा, लेकिन पता कहीं चलेगा किधर जाना किधर भागना है। मैं चाहता हूँ कोई एक एरोप्लेन आ जाए, बैठ कर थोड़ा आकाश में घुमाऊ। इतने में आ गया तृणावर्त दैत्य आ गया। इतने में कृष्ण देखा, भैया मैं तो अगर तृणावर्त मेरे को ऊपर उठा करके ले गया मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया को अगर उठा कर ले जाएगा तो क्या होगा फिर। इतने में जैसे पत्थर का चट्टान जैसे कृष्ण एकदम भारी हो गई। मैया बोले लाला को क्या हो गया, उसने नीचे रखा। इतने में तृणावर्त आ गया अंधी तूफान रूप में, आ करके कृष्ण को पकड़े और ऊपर में एकदम उड़ा करके ले गए। इतने में तृणावर्त को पकड़ करके, कृष्ण की इच्छा थी ना एरोप्लेन में बैठ कर घूमे, उन्होंने पूरा का पूरा एरोप्लेन में बैठ करके पूरा देख लिया ब्रज को। अभी वो लैंडिंग करेगा, अभी लैंडिंग कैसे कर, नीचे उतरेंगे कैसे उतरेंगे, बच्चों का देखना है कि स्वभाव है, अगर ज्यादा ऊपर उछाल दो ना बच्चे डर जाते हैं, डर पकड़ लेते हैं। इतने में उन्होंने ऐसे तृणावर्त को गले को दबाया, हे तृणावर्त धड़ाम करके नीचे आकर गिरा, और एक पत्थर को चट्टान के ऊपर गिरा तो एकदम चकनाचूर हो गया। मैया ने देखा मेरे लाला कहाँ, लाला कहाँ, देखा दूर में लाला पड़ा हुआ। मैया वहां से उठा करके लेकर आती है माँ जसोदा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में ना ये तृणावर्त आ जाती है। मतलब क्या है, कभी कभी हमारे जीवन में देखना, कभी कभी बड़े बड़े दुख कष्ट आ जाती है। कहते भैया अगर थोड़ी मोटी कोई दुख कष्ट आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, हर स्थिति में अपना बुद्धि को स्थिर करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, अभी जिसकी मन में जैसे छोटा बच्चा होता ना, जिसकी मन में जैसा है टुल्लू भुल्लू टुकू भुकू ऐसे पुकारते हैं, छोटू बड़ू ऐसे पुकारते हैं। अभी नंद बाबा सोच रहे हैं, भैया मेरे लाला को कोई नामकरण हो जाए, बस जिस नामकरण होगा उसमें हम बुलाया करेंगे। लेकिन ये गड़बड़ी क्या है, वसुदेव सोच रहे लाला मेरा है, और नंद बाबा सोच रहे मेरा लाला मेरे है, दोनों सोच रहे। इसलिए एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य महान विद्वान थे, इसलिए गर्ग संहिता है, बड़ा विद्वान त्रिकाल दृष्टा गर्गाचार्य। इन्होंने एक बार उनको बुला करके वसुदेव महाराज बोले आप कृपा करके थोड़ा वृंदावन जाओ और मेरे लाला का एक नाम करने करके आओ। ऐसे नाम करने करना जो नाम मेरे साथ में मिला जुला हुआ हो, ऐसे एक नाम करने करना, क्योंकि जब एक बार बच्चे का नाम हो जाता है ना, उसी नाम से सबके सब पुकारते हैं। वसुदेव महाराज तो बड़े खुश हो गए। देखो नियम है, हाँ अच्छे तरह समझो एक चीज को, बढ़िया करके समझो, ऐसे नहीं तुम्हारी मन में जो आया बच्चे को टुल्लू भुल्लू टिक्की भुक्की पुकारने लग गया, नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में जो जो विधान बताया ना, वो साइंस सबके साथ, हमारे संतों ने जो विधान, जो परिवार में जो आपका परिवार में जो नीति नियम, साइंस सबके साथ समझो, ऐसे नहीं जो आए मन मानी नामकरण कर दिया। देखो नियम है, बच्चा का जब नामकरण होता है उसी समय उसका नक्षत्र देखते हैं, कौन सा समय पर जन्म हुआ, फिर वो जन्म नक्षत्र देख करके उसमें अक्षर निकालते हैं,
वो अक्षर को रख करके कोई भगवान का नाम हो नहीं तो किसी संतो का नाम रखो। ऐसे नहीं जो इच्छा टुल्लू गुल्लू फिक्की फिक्की सो विदेश में कुत्तों का नाम बच्चों का नाम पकड़वा देते हैं। बोले अरे इसो भगवान का नाम इसो पुराना था अभी तो नया जमाना है हम तो ऐसे ही नाम रखेंगे। नहीं ऐसे नाम नहीं रखना। कल सुन रहे थे ना अजामिल ने छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया था। सबसे छोटा बेटा प्यारा है वो बात बात पर नारायण इधर आजा नारायण पानी गया। लास्ट में जब जमदूत आए उनने कैसे अपना बेटे को उन्होंने नारायण नाम से पुकार दिया। क्योंकि देखना आप जिसको सबसे ज्यादा प्यारा करते हैं ना वो अंतिम समय में वही चीज याद आती है। केवल उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो क्या हुआ वैकुंठ से विष्णुदूत आकर के जमदूत को मार मार कर भगा दिए और उनको भगवान के पास में ले गए। इसलिए और पहले जो नामकरण होता था देखो जैसे प्रभु का नाम राम राम है पहले कैसे नाम होता था वो ऐसे एक नाम होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा कौन होता है हमारी परंपरा को जो रक्षा करता है परंपरा रक्षा करता है ना पिता माता को पिंड प्रदान करता है को रक्षा करता है बच्चा। पहले जो नाम होता था वो एक नाम में उसका पिता और उसका पिता दोनों का नाम होनी चाहिए ऐसे नाम करते थे। जैसे राम आप बताओ तो राम जी के पिताजी का नाम क्या था दशरथ। इसमें जो दशरथ वहां से लिया अ इसलिए राम हुआ। कृष्ण देखो कैसे कृष्ण के पिताजी का नाम नंद इसलिए नाम में जो है और इसमें क्री क्री में जो री मात्रा है उनको जो पिताजी का नाम परिजन बाबा था वहां से लिया र। इसलिए पहले जब नाम होता था ऐसे करके नाम रखते थे जो उसका पिता और उसका पिता दोनों का नाम उसमें होनी चाहिए क्योंकि बच्चा ही तो तुम्हारी परम मिल रहा है ऐसे करके शादी करते थे ना। तब भी क्या होता था शादी टिकती थी सारा जीवन पति पत्नी मिलकर के रहते थे। अभी वो सब चीज करते नहीं नहीं करने का नाते क्या होता है लड़ाई झगड़ा होकर डाइवोर्स हो जाता। कारण यही है क्योंकि हमने ये शास्त्र का जो नीति नियम को हम पालन नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण दिया जैसे देखो अच्छे तरह समझो देखना जब कोई मशीन निकलता है वो मशीन को साथ साथ में एक मैनुअल भी होता है। लेकिन वो मैनुअल को कौन बनाता है जिसने वो मशीन को बनाया उसको कैसे ऑपरेट करना कैसे चलाना। अगर उसको पढ़ करके चलाओगे तब तो बढ़िया चलेगा अगर मनमानी चलाओगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए ठाकुर ने जब ये दुनिया बनाया ना उसने एक उन्होंने मैनुअल भी रख दिया क्या हमारे वेद हमारे रामायण हमारे भागवत ये गीता। ठाकुर जी बोले देखो मैंने ये दुनिया बनाया तुमने नहीं दुनिया बनाई। अगर मैंने ये दुनिया बना करके जो मैनुअल दिया अगर इसको पढ़ करके अगर घर गृहस्थी करोगे ना घर संसार में सुखी रहोगे। अगर हम मनमानी ढंग से करोगे फिर तो भैया जिंदगी भर दुखी उठाओगे तुमने। इसलिए यहाँ पर गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए बोले ठाकुर का नाम करना अहो भाग्य है। तब उन्होंने जब घर में आए तब नंद बाबा इतने खुश हो गए बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। बोले संत लोग घर में क्यों आते हैं कुछ लेने के लिए बोले नहीं लेने के लिए देने के लिए आते हैं। संत हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं हम कौन कहाँ से आए क्यों आए ये जीवन क्या है ये संत हमें बताने के लिए घर में आते हैं। जब संतों के घर में चरण धूलि पड़े ब्राह्मण जो भक्ति करने वाले ब्राह्मण जब घर में उनकी चरण धूलि पड़े घर पवित्र हो जाता है घर मंगल हो जाता है हैं। इसलिए बोले अहो भाग्य है कहते संत लोग इसीलिए आते हैं घर में हमारी कल्याण करने के लिए। गर्गाचार्य आए तो गर्गाचार्य आए तो नंद बाबा अपने आप बोल पड़े जब आप कृपा करके आए हो हमारे लाला का थोड़ा नामकरण कर दो वो तो इसीलिए आए थे बोले ले आओ कृष्ण बलराम को ले आए। जब ले आए गर्गाचार्य जो पहले बड़ा बेटा का नामकरण होनी चाहिए वो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाए जब ध्यान लगाए देखा बोले ये बलदेव प्रभु कौन है बोले शंकर शनकार न तो ये साई गर्भो दसाई चपयक्ति साई से सांस जिसांस सकला सनित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। यदि जो बलदेव प्रभु है ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले बलदेव सारे सृष्टि का मूल कारण श्री दाऊ भैया। इसलिए बोले अयम ही रोहिणी पुत्र
रमयान सुहीदि गुणई, बोले अपना गुण को तोरा सबको ये हैं क्या करे आनंद प्रदान करेगा, इसलिए बोले बला धिक्यात बल विदु, इसका नाम होगा बल राम, जो बल का जो अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव, बोले इसका नाम दूसरा नाम होगा शंकर सन, कारण है पहले ये देवकी गर्भ से उनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया, पर जदुवंश और श्री नंद वंश में अगर किसी कारण से थोड़ा झगड़ा हो जाए ये दोनों को मीमांसा करके सबको मिला जुला कर रखेगा, इसलिए इनका नाम एक होगा शंकरसन। बोले श्री ताऊ भैया की, अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे, ध्यान लगाया तो उनका ध्यान ही नहीं टूट रहा था, बोले क्यों, उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दर्शन किया, बोले जिसका एक दो चार नाम हो तो एक नाम तो दे दोगे, लेकिन दुनिया में जितने नाम तो इन्हीं का ही नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश कितने अनंत हरी अनंत हरी कथा अनंत, भैया कौन सा नाम इसको दे, वो आंख नहीं खुल रहे थे, वो देख रहे थे विश्व ब्रह्मांड इनके अंदर में, वो चक्कर में पड़ गया भैया नाम क्या दे, नंद बाबा तो तरस रहे थे लाला का नाम क्या होगा, हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बोलो ना लाला का नाम क्या होगा, बोले तुम्हारा जो लाला है, बोले आसन वर्णास्त्रयश्च गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत, बोले तेरे जो लाला है हर युग युग में ही आता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, कली युग में ये पीत वर्ण धारण करते श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके आएंगे। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, देखो यहाँ पर गर्गाचार्य ने ये बता रहे हैं कली युग में जो चैतन्य महाप्रभु आएंगे, नाम सुने हो चैतन्य महाप्रभु को, ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके इनका रूप चैतन्य महाप्रभु का अंत कृष्ण बहिर गौरव, बोले चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों है, कारण किया, बोले जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, एक दिन गोलोक वृंदावन में बैठे हुए थे, सोच रहे थे मेरे मन में जितने इच्छा सब इच्छा को पूरी की, लेकिन एक इच्छा मैंने पूरी नहीं कर पाई, बोले क्या है, बोले राधा रानी मेरे को जो प्रेम करती हैं वो प्रेम में बाबरी बन जाती हैं, मेरे को जितने आनंद राधा रानी को करोड़ों गुण ज्यादा आनंद होता है, इसलिए मेरे को प्रेम करके राधा रानी को कैसे आनंद मिलता है, और राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, और मैं जो सुंदर जगत सुंदर हूँ लेकिन मेरे रूप को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती, बोले राधा रानी, लेकिन राधा रानी मेरे को आलिंगन करके मेरे को प्रेम करके क्या आनंद प्राप्त करती हैं, मेरे रूप का क्या माधुर्य है, ये चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण देखा, मैं जब तक राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए कलियुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति लिए, इसलिए एक इनका एक नाम है गौरव हरि, क्या नाम है जोर से बोलो, गौरव हरि मतलब क्या, राधा रानी गौरी कृष्ण हरि, ये दोनों मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, इसलिए इनका नाम हो गया श्री गौरव हरि, इसलिए ये द्वापर युग में श्री स्वयं गर्गाचार्य कह रहे हैं ये कली युग होने पर श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन प्रचार करेंगे, ये भगवान का भविष्यवाणी है, गांव गांव में शहर शहर में पूरा प्रभु का नाम कीर्तन गूंज उठेगा, दुनिया प्रसन्न होकर के सब के सब भगवान के कीर्तन करेंगे, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ तो, आप बताओ कौन कौन जाना चाहते हो, हाथ उठाओ, सब जाना चाहते हो, एक बार सबको ले चलेंगे, हाँ वृंदावन में वहाँ इसकोन देखोगे अंग्रेजी मंदिर देखोगे, जो अंग्रेजी लोग है ना उनको देखोगे गले में कंठी तिलक चोटी और हाथ में माला लेकर के हैं, सब भगवान की भक्ति करते भजन करते हैं, हम तो हिंदू हैं, हमें पूछो गीता का कोई श्लोक पूछो नहीं आएगा, कौन हीरो का नाम पूछो कौन हीरोइन का नाम सब आएगा, सब याद करके बैठे हुए, अब वहां पर जाकर देखोगे ना अंग्रेजी लोगों को
ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखोगे, उनका नाम पूछना क्या नाम रखे, कृष्णा, गोविंद, दामोदर। छोटी छोटी लड़की को देखोगे, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सब ठाकुर का नाम। हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं। पूरा गीता उनको, छोटे छोटे बच्चे को देखोगे, पूरा गीता उनको याद हुआ, देखोगे उनका पूरी गीता याद है। कहां वो अंग्रेजी होकर के हमारी संस्कृति को धीरे 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 वो ग्रहण कर रहे हैं और जगत में भगवान की प्रचार करते हैं, भगवान की कथा को दुनिया में प्रचार करते हैं दुनिया को। इसलिए आप लोग भी क्या करो, गीता रामायण पढ़ो। किसको पास में गीता बताओ तो हाथ उठाओ, तो गीता किसको पास में, पढ़ते भी नहीं गीते को, गीता को रोज पढ़ा करना, ठीक है ना। कम से कम जो एक श्लोक और इसका एक मिनिंग, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक श्लोक पढ़ो इसका एक मिनिंग पढ़ो। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सही कथा ध्यान देकर सुनो। बोले ये अमेरिका की कथा है, अमेरिका की। जब ये गीता जयंती आती है, इस कोने के लोग वो गीता को सब जगह में जा जाकर बांटते हैं। एक समय अमेरिका में ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में अंग्रेजी लोग गीता को बेच रहे थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से निकला, जब निकला वो करके लाइन करके तीन चार लोग खड़े हुए थे, गीता बांट दे रहे थे। जब एक व्यक्ति एरोप्लेन से निकला, बोले भैया गीता लो, गीता पिता, जिसको गीता पिता किया है वो क्रिश्चियन अंग्रेजी था। लेकिन जब दूसरा भैया गीता लो, बोले गीता पिता क्या है, लेकिन तीसरा जगह बोले गीता लो। उसने देखा भैया पांच छह खड़े हुए लाइन हो गए, कितने बोलो, उन्होंने तीन चार डॉलर दे करके गीता को ले लिया। गीता को लेकर सोचा तो बेकार चीज है, तो कुछ काम का नहीं है। देखो अच्छा तरह से सुनो, ये गीता क्या चीज है, बढ़िया करके ध्यान लगा कर सुनो। इसलिए बोले गीता तो बेकार चीज है। उसने क्या किया, वो ड्रम में वो गीता को रख लिया। एक दिन वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, वो सुइसाइड करने के लिए जा रहा था। सुइसाइड जब करने जा रहा तो सोच रहा था सुइसाइड करूंगा, लेकिन जो बंदूक जिस ड्रम में था ना, उसी ड्रम में ही भगवत गीता थी। उसने वो ड्रम को निकाल करके जब बंदूकों को पकड़ने के लिए गया, गोली मारेगा खुद को, इतने में बंदूक नहीं आकर के आया भगवत गीता। जब गीता आया उसने ला करके तो रख दिया था कहां पर, ड्रम में। सोचा बेकार, देखो ये गीता क्या है, ये जीवन को कैसे देने वाले हैं। उसने वो गीता को निकाल कर हठात जब उसने खोला गीता को, उसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे, बोले हे अर्जुन, अगर जीवन में तुम शाश्वत शांति चाहते हो, परमानेंट शांति चाहते हो, ये जीव जब तक मेरे शरण में नहीं आएगा, ये दुनिया की वस्तु कभी भी उसको सुख शांति नहीं दे सकता। क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं ये दुनिया दुख का घर है, ये जो संसार है दुख का संसार है, ये संसार अनित्य और नश्वर है। जो अनित्य नश्वर वस्तु वो कभी शाश्वत शांति को दे नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, आप भी अच्छे तरह से समझो। जैसे एक पिंजरा हो, पिंजरा में एक तोता है, लेकिन अगर वो तोते को खाना नहीं खिलाओगे, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहोगे, बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? आप बताओ तोता जिंदा रहेगी नहीं। हम यही कर रहे हैं, ये शरीर को तो जिम में ले जाएंगे, शरीर को तो चवनप्राश खिलाएंगे, शरीर को तो रोटी सब्जी खिलाएंगे, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा हुआ परमात्मा, उसमें कोई ध्यान नहीं। इसलिए कृष्ण समझा रहे हैं, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, ये शरीर तुम नहीं, ये शरीर एक कपड़ा है, जैसे कपड़ा जराजीर्ण होने पर छोड़ करके नए के पर धारण करते हैं, ये आत्मा भी ठीक ये शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। हे अर्जुन, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, आत्मा को खुराक दो। वो आत्मा की खुराक क्या, भगवान की भक्ति। देखो वो व्यक्ति मरने जा रहा था, लेकिन जब ये गीता की सब श्लोकों को पढ़ा है ना, वो सुइसाइड क्या करेगा, मरेगा क्या, ये रात भर ये गीता को पढ़ा, उसको जैसे नई ज्ञान मिली, सुइसाइड करना छोड़ दी। छोड़ करके देखा भैया गीता आई कहां से, उसमें फोन नंबर लिखा था, उसने फोन किया, उनका कोई सेंटर था, फोन किया, बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ, बोले सवेरे आओ। सवेरे गए और उन्होंने गीता के बारे में पूछा, पर उन्होंने अच्छे तरह से समझाए आत्मा और शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान, और वो जो सुइसाइड करने जा रहा तो सुइसाइड करना छोड़ दिया उसने, है सुइसाइड करना छोड़ दिया। छोड़ करके वो व्यक्ति पूरा के पूरा
भक्त बन गया। जब भक्त बन गया वो व्यक्ति, जैसे हम सन्यासी है ना, अभी वो व्यक्ति है, उसने सन्यासी ग्रहण किया, अब संपूर्ण पृथ्वी में गीता। हमारे मनोज को बोलोगे, मनोज भैया ला करके आपको सब भगवत गीता देंगे, और खुद भी गीता पढ़ना और बच्चों को भी गीता पढ़ाओ, बच्चे संस्कारी बने, हैं रामायण पढ़ाओ, तभी पिता माता की सेवा बच्चे करेंगे, नहीं तो पिता माता की सेवा नहीं करेंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ देखो, कल है ये एकादशी व्रत है, कल क्या है जोर से बोलो, कौन कौन एकादशी करता है? ठीक ठीक बताओ सही से, हाथ उठा, कौन कौन एकादशी करता है? देखो दो चार व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन ये भागवत में ना कोई सोमवार का व्रत नहीं, मंगलवार का व्रत नहीं, बुधवार का कोई व्रत ये भागवत में नहीं, ये भागवत में केवल एकादशी का ही व्रत बताते हैं, क्योंकि जितने व्यास देव ने ही ये सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा, उन्हें लेकिन ये सारे ग्रंथ लिख करके ना उनको शांति नहीं मिली, लेकिन ये शांति कब मिली? जब उन्होंने भागवत लिखी, इसलिए ये भागवत ग्रंथ में ही ये एकादशी कथा केवल भागवत कथा ग्रंथ में आती है। जो एकादशी व्रत है इसकी जो अधिष्ठात्र देवता वाक्य में आ रही, भगवान राम और श्री विष्णु ही इसकी अधिष्ठात्र देवता है। जो अलग अलग जो व्रत है ना, कहीं शंकर जी का व्रत होगा, कहीं हनुमान जी का होगा, कहीं सूरज होगा, कहीं गणेश जी का व्रत होगा। बताओ जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को खुश करके बताओ, एक को बनाओ और दूसरे मुंह बुलाकर बैठ जाएगा, लेकिन अगर बांके बिहारी खुश हो गए ना, ये 33 करोड़ देवता अपने आप तुम्हारे पर कृपा कर देंगे। इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, ये 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र ये सब के सब मेरे अंदर, मेरे से कोई परतत्व नहीं है। इसलिए जो एकादशी व्रत भगवान विष्णु का व्रत है, अगर ये भगवान कृष्ण विष्णु प्रसन्न हो गए, समझो सारे देवादेवी तुम्हारे ऊपर में संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कल मैंने आपको बता रहा था जो एकादशी व्रत को ये कल्पतरु व्रत कहते हैं। क्या व्रत कहते हैं? कल्पतरु व्रत मतलब क्या, बोले जो मांगो वही मिलेगा। मैं कल बता रहा था एक एकादशी का नाम पुत्र था, अभी सुन रहे थे ना, नंद बाबा का घर में बेटा नहीं था, उनने हर तरह का 12 व्रत कर चुके थे, लेकिन जब उनने पुत्र था एकादशी किया कृष्ण जन्म। इसे जिनके घर में संतान नहीं, कहते ये पुत्र था एकादशी कर पुत्र जन्म होगा। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कल मैं बता रहा था ना, कितने कथा सुना रहा था, मैं विदेश में गया था, 2 साल में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर में हड्डी हड्डी थी, शरीर में प्राण गला में अटक गया था, लेकिन प्राण नहीं छूट रहा था, बड़ा कष्ट पा रहा था, लेकिन जब एकादशी व्रत उन्होंने संकल्प करके दिया, देते ही 2 घंटा में शरीर छूट गए उनके। ऐसे नहीं, मैंने हजार ऐसे मैंने चीज देखा है एकादशी की, इतने महिमा। इसलिए इसका नाम पाप मोचनी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिसके घर में पैसा की कमी है, कहते वो एकादशी व्रत कर घर में इंदिरा लक्ष्मी आएगी। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से सर्वत्र तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार की बंधन से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम पांडवा निर्जला, कल मैंने बता रहा था जिसको पांडव लोग द्रौपदी को साथ में, जो सबसे बड़ी निर्जला है ये पांडवा निर्जला है, द्रौपदी को साथ में पंच पांडव जो व्रत रखते थे, ये एकादशी रुक्मिणी सत्यभामा रखती थी, इसलिए कृष्ण हमको पति रूप में मिलेंगे। इसलिए एकादशी की इतने महिमा, जितने एकादशी की महिमा है ना, और कोई बाहर व्रत का इतना महिमा नहीं। इसलिए आप लोग जरूर ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है, आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। कोई अगर व्रत नहीं रखोगे आपको पाप नहीं लगेगी, लेकिन अगर एकादशी नहीं रखोगे ना पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी का दिन अर्ण में ये गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा ये सारे पाप तुमको लगेगा एकादशी का दिन। और एक चीज समझो, ये जो हमारे संतों ने ये जो व्रत रखा है ना,
ये मत समझो ये अपना मन की भावाए रख दिया, नहीं, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि, छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं, जो अभी लिखे पढ़े सब बच्चे हो देखना, एक साइंटिस्ट ही आकर के एक फिलोसफी को बता कर जाता है, दूसरे साइंटिस्ट उसको काट कर चल जाता है, इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलते क्यों, एक साइंटिस्ट ने ये बताया दूसरे आकर काट कर चला गया। लेकिन आप देखो हमारी गीता की कोई अक्षर बदली है अभी तक, रामायण का कोई अक्षर बदला, भागवत की कोई अक्षर बदली, वेद का कोई अक्षर बदला अभी तक है, क्यों, ऋषि मुनियों ने जो लिख कर गए ये स्वयं व्यास जब लिखे ये स्वयं नारायण है, इसलिए उन्होंने जो एकादशी व्रत रखे ना ये साइंस है, देखो क्या साइंस, थोड़ी बहुत जो लिखे बड़े अच्छे तरह से समझो, आप दूसरों को भी समझाना ठीक है, अच्छे तरह से समझो, मन लगा कर समझो, कल मैं पूछो समय दे दो ना, थोड़ा विश्राम दे दो, बच्चे खेल कूद करे, फिर दो बार उसको कैच करता है, छुट्टी रहती कि नहीं, छुट्टी रहती कि नहीं, रहती है ना छुट्टी, इसीलिए ये कहते भैया ये शरीर भी एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह का चलाते रहोगे ना फिर तो क्या होगा, बीमारी बढ़ जाओगे, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भैया कम से कम 15 दिन में शरीर को थोड़ा रेस्ट दो कम से कम है। इसलिए अभी फिर प्रश्न आता है, हम एकादशी का दिन ये शरीर को क्यों रेस्ट देंगे, और किसी दिन भी रेस्ट दे सकते हो, एकादशी का दिन क्यों देंगे, इसको अच्छे तरह समझो, आप लोगों देखना समुद्र में एक जुहार घटा होता है, सुने हो, हाई टाइट मतलब समुद्र का पानी बैठती है और घटती है, हैं ये क्यों, ऐसे क्यों होता है कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को आकर्षण करती है, वो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों दोनों का आकर्षण करते हैं, लेकिन पृथ्वी तो इतना बड़ा, ये चंद्रमा का पृथ्वी को तो खींच नहीं सकता, इसलिए उसका प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है, इसलिए जो समुद्र किनारे में रहने वाले देखना जब जब जितने ये चंद्रमा बढ़ती जाएगी उतना पानी उफनना शुरू होता है, पानी उतना बढ़ती जाती है, फिर चंद्रमा जब धीरे 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 घटने जाएगी अमावस्या के बाद में धीरे धीरे पानी देखना धीरे धीरे ये पानी कम होना शुरू हो जाती है, ये हाई टाइड होती है, बढ़ती है, इसलिए हमारा जो शरीर है वो 5 चीज से बनी हुई है, कितने चीज में बताओ, क्या क्या बोलो जोर से बोलो, कौन बोलो, क्या क्या हमारे शरीर में 5 चीज है, हाँ वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी, हाँ ये 5 चीज से बना हुआ, आप बताओ शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, पानी, ये कितना परसेंट शरीर में पानी है बताओ, तो कहते 70-75% ये शरीर में ये पानी है, इसलिए पानी होने का नाते देखना जिनकी घुटन में दर्द है आप देख लेना, जिनकी कमर में दर्द है आप लिखे करके देखना, जब एकादशी का दिन आएगा ये थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, द्वादश में ज्यादा दर्द होगा, पूर्णिमा में इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में देखना ज्यादा बीमारी लोग कब आते हैं, देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आते हैं, कहीं जो शमशान में जाना देखना ज्यादा लोग मरते हुए कब देखोगे, बोले एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोग मरते हुए, कि जो खून खराब होती है ना लड़ाई झगड़ा आप नजर करके देखना कब ये ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एकादशी से पूर्णिमा तक होता है, बोले क्यों, बोले ये शरीर में 75% पानी है, पानी होने का नाते ये चंद्रमा जब बढ़ती है ये शरीर के ऊपर में ज्यादा प्रकोप पड़ता है, पड़ने पर शरीर में काम क्रोध और उल्टा पुल्टा चीज शरीर में सृष्टि होती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया, बोले देखो एकादशी का दिन अन्न जातीय वस्तु मत खाया करो, जैसे रोटी है जैसे चावल है, कहते ये कैसे, बोले ये स्पंज जैसे है, अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में पानी मांगेगा, मांगेगा कि नहीं, चावल खाओ थोड़ी देर बाद में पानी मांगेगा, लेकिन फल खाओ पानी मांगेगा नहीं मांगेगा, इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो नियम बता कर गए ना वो बहुत बड़ा साइंटिफिक रिजीन है, शरीर तुम्हारी सुस्त रहेगा शरीर है, इसलिए इन लोगों ने क्या बोले एकादशी व्रत रखो, जिस व्रत में अन्न मत खाओ, अन्न में गो हत्या नर हत्या भ्रूण हत्या पिता मात्र हत्या सबसे बड़े से बड़े पाप ही अन्न में आश्रय करके रहता है, इसलिए अगर ये सब चीज खाओगे ना क्या होगा, बीमारी होगा, बीमारी होने पर क्या खाओगे, मेडिसिन, देखो मेड ईट सीन, ये सीन पाप शब्द आता है, टेरा माई सीन क्रो सीन, वो सीन सीन शब्द है, उस मेडिसिन में नाम है, सीन मतलब होता है पाप,
बोले सब क्यों हो रहा है, बोले पाप की वजह से हो रहा है, इसलिए ये सब साइंटिफिकल सब रीजन है। इसलिए ये भागवत में ये अम्बरीश महाराज कल सुन रहे थे ना, अम्बरीश महाराज ने क्या किया, एकादशी व्रत रखते तो साक्षात ठाकुर का सुदर्शन चक्र उसको रखा करता था, सुदर्शन चक्र उनको रखा करता था। इसलिए एकादशी जो व्रत रखते है ना, ठाकुर का सुदर्शन चक्र भी उसको रखा करते हैं, दुर्वासा ऋषि भी उसको बिगाड़ नहीं सके हैं। इसलिए कल एकादशी व्रत है, कल आपको अच्छी अच्छी हम कथा सुनाएंगे, एकादशी कौन कौन से राजा करते थे, कैसे कैसे करते थे, उसका क्या क्या फल है। लेकिन कल जितने भाई लोग और माताएं, कल कोई अन्न नहीं खाने का, और कहते उसी दिन अन्न खाने का जितना पाप है वो देने का भी इतना पाप लगता है। कल यहाँ पर जो प्रसाद बनेगा, हमने बात किया है सभी के लिए प्रसाद जो बनेगा एकादश का प्रसाद बनेगा, जैसे सब्जी सब सब्जी मिला करके, कल जो तेल है जैसे घी हो मूंगफली का तेल व्यवहार कर सकते हो हैं। इसलिए जैसे आलू का हो, काशीफल का, पपीता की, कच्चा केला, इसको सब आप लोग ने सब्जी बना करके उसमें घी है अदरक दे करके, उसमें घी की छोंक दे करके आप खा सकते हो। हल्दी तो आप लोग घर में प्योर हल्दी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ये सब चीज। और फल तो हर तरह का फल खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, दूध दही खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, एकादशी का दिन खाने के लिए किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन कोशिश करना जैसे दिन में कम से कम 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए है, 12 बजे तक शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो। उसको बाद में अगर दिन में एक बार भोजन कर सकते तो अच्छी बात, अगर रहा नहीं जाता तो 2 बार भी करो, लेकिन जो एक बार कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 बार करो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बीमारी व्यक्ति अगर 3 बार करना तो कर सकते हो, लेकिन अन्न को मत खाया, ये अन्न में सारे पाप ये अन्न में रहता है। अन्न में जैसे गेहूं है, चावल से जो चीज बनती है, सरिसों है, जितने तरह का दाल जाती है वस्तु है, ये सब चीज को नहीं खाने के लिए मना किया, ठीक है ना। कल कोई भी अन्न नहीं खाना, ठीक है, कल सबके सब एकादशी व्रत रखो। देखो कुछ लोग कहते हैं इसका उद्यापना करना पड़ता, नहीं, हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापन का नाम नहीं, जब तक इच्छा एकादशी व्रत रखो, नहीं कर सकते तो किस कारण से कोई जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करो जब तक शरीर में प्राण है, कर सकते समर्थ है, एकादशी का व्रत जरूर आप लोग करना चाहिए। देखो एक समय ठाकुर भी परीक्षा करने के लिए आए, देखे कहानी सुन लो, आप देखो नाम सुने होंगे, नामदेव सुने हो, नामदेव का ये बहुत बड़े संत थे, जितने वैष्णव हुए हैं सबको सब एकादशी व्रत रखते थे। एक दिन ठाकुर जी पहले तो पूरा निर्जला रखते थे, अभी तो हम लोग कुछ लेकर खाते करते हैं, पहले निर्जला रखते थे। उसी दिन नामदेव उसने एकादशी व्रत वैष्णव रखते थे, ठाकुर जी स्वयं एक भिखारी बन करके ठाकुर जी आए, बोले नामदेव मैं 3 दिन से भोजन नहीं किया, इसलिए मेरे को कुछ भोजन दो, नहीं तो तुम्हारे घर के सामने प्राण त्याग दे दूंगा। लेकिन वो निर्जला व्रत रखते थे, बोले आज हम आपको भोजन नहीं दे सकते, क्यों, आज हमने निर्जला एकादशी व्रत रखे हैं, आपको भोजन नहीं दे सकते। बोले मैं 3 दिन से भूखा, नहीं तो तुम्हारे घर को सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा। बोले भले ही प्राण त्याग कर दो, लेकिन एकादशी का दिन आपको अन्न भोजन हम नहीं खिला सकते हैं, हाँ ये पाप है। देखते देखते ठाकुर ही प्राण त्याग कर दिए, वो ठाकुर स्वयं थे, वो विठल नाथ स्वयं ठाकुर जी, उन घर के सामने प्राण त्याग कर दिए। अभी जब त्याग कर दिए सब लोग निंदा करने लगे, तेरी वजह से ये भिखारी प्राण त्याग किया, तुमने भोजन नहीं किए, इसलिए तुमको पाप लगा है, इसको प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। तब नामदेव बोले ठीक है, मैं भी इनको साथ में दोनों अपना शरीर को मैं भी त्याग दूंगा। उनने चिता सजा दिए, चिता सजा करके जो भिखारी को उन्होंने गोद में बैठा दिए, और जब आग लगाने के लिए गए ना, वो भिखारी कौन था, वो विठल नाथ स्वयं कृष्ण ही थे। इतने में झट भगवान प्रकट हो गए, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले नामदेव मैं तुमको परीक्षा करने के लिए आया था, तुम्हारी एकादशी व्रत में कितने निष्ठा है, तुमने आज ने पास कर, तुमने पास हो गया, तुमने फेल नहीं किया, इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा कल आपको मैं सुंदर सुंदर पुराण की कथा सुनाऊंगा, एकादशी कौन कौन रखते थे और एकादशी क्या क्या फल प्राप्त हुई है, ठीक है।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले एकादशी व्रत की जय, जय श्री राधे। सब माताएं रखोगी कि नहीं? घर में अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती ना, देखना दो तीन दिन तक निर्जला व्रत रहती कि नहीं? दो तीन दिन तक। इसलिए भगवान के लिए तो व्रत भगवान के लिए करोगे एकदम, और ना कोई खाना नहीं, ठीक है ना? इसलिए अगर भूख लगता तो आप सब्जी बना कर खाना, मूंगफली और मखाना बहुत खाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन कोशिश करना कल भागवत कथा में एकादशी रखने का, और भागवत में एकादशी व्रत आ जाए ना, इसकी बड़ी महत्व बताई गई, ठीक है? बोले श्री एकादशी व्रत की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ, अभी हम लोग आज श्री राधा रानी जन्म लेने वाली है। हम तो कल सोच रहे थे गिरिराज की पूजा की पूजा करवाएंगे। गिरिराज पूजा की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए स्वयं गिरिराज ने बताया। गिरिराज की जो अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना अगर किसी ने लगा दी, बोले किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी, बड़ी महिमा। लेकिन कल एकादशी है, इसलिए हम परसों इसको हम पालन करेंगे। और जो परसों जो कथा है, आप लोग ध्यान से, परसों जो कथा है वो सवेरे 10 से लेकर के 12-1 बजे तक कथा विश्राम हो जाएगी, हैं? इसलिए परसों आप लोग जो परसों की जो कथा सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कोई आधे में आई, कोई बीच में आई, कोई लास्ट में आई, जो कथा को पूरी नहीं सुन पाए, अगर लास्ट दिन का कथा सुन लोगे तो ये 7 दिन कथा सुनने का फल उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए और ये भागवत को बताया, ये कल्प वृक्ष है, बोले 7 दिन तक नियम करके जो कथा सुनते हैं, जो कुछ भागवत से प्रार्थना करते हैं, ये भागवत नहीं, ये स्वयं से ठाकुर जी उसको सारे इच्छा को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। इसलिए हम लोग परसों ये अन्नकूट महोत्सव परसों हम लोग बनाएंगे, ठीक है? इसलिए अभी हम लोग श्री राधा रानी जन्म उत्सव का हम पालन करेंगे। हाँ भैया, राधा रानी के जो पिता माता बनी वो कहाँ गई? गए हैं सजने के लिए। हाँ जाओ तो उनको बोल दो सज करा दे। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, कुछ कुछ लोगों का कहना है, जैसे वृंदावन में जाओ ना, बताओ किसके नाम लेते हैं वृंदावन में सबके सब? बोलो जोर से, और जोर से बोलो, सब वृंदावन में श्री राधा जी का नाम लेते हैं। कुछ कुछ कहते हैं भैया भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, पर ये भागवत में फिर ये राधा जी का नाम फिर क्यों है, कुछ लोगों का प्रश्न है। लेकिन हमारे गौड़ीय के संत लोग कहते हैं भैया भागवत में तो राधा जी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, जिसमें राधा ही राधा है, इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम। श्री मतलब लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी कौन है? ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए कहते ये भागवत नहीं, बोले श्रीमद्। मद मतलब होता है प्रेम, शराब को भी मद कहते हैं ना, इसलिए कहते ये भागवत नहीं, बोले राधा जी का ये प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, हैं? कहते एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब माल कमाता है, लेकिन माल लेकर किसको पास में रखता है? सेठानी को पास में। सारे माल कौन रखती है? सेठानी को पास में सारे माल। अब लोगों के पास में माल आता कि नहीं? सेठ लोग कमा करके देते कि नहीं सेठानियों को? अभी जो सेठानी थी ना, वो बड़ी सुंदर आलमीरा में उसने हीरे जवाहरात को उन्होंने सजा सजा कर रखती थी, और लाख लाख रुपया को गड्डी गड्डी बना कर रखती थी। एक दिन वो सेठानी पागली में हो गई, हो करके उसने किया कि छत को ऊपर में गई, वो जो लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरात तो उसने फेंकना शुरू की, और जितने गरीब लोग थे, दुखी दरिद्र, वो सबके सब उठा करके सबके सब माला माल हो गए। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत है, कहते यहाँ पर सेठ कौन है? बोले ये सावरिया सेठ, ये कृष्ण बांके बिहारी, ये तो खूब माल कमाता है, लेकिन वो रखता है किसको पास में? बोले सेठानी को पास में। बोले वो सेठानी कौन है? श्री राधा रानी, वो प्रेम स्वरूप राधा रानी, सारे माल को उन्हें सेठानी को पास में रखती है। एक दिन ये सेठानी कृष्ण प्रेम में बाबरी बनी और छत के ऊपर में गई, और जा करके उसने जितने हीरे जवाहरात थी ना, कृष्ण प्रेम को उसने लुटाना शुरू की,
और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो दरिद्र, कृष्ण प्रेम को जो कांगाल, वो उठाया माल हीरे जवाहरात और सबके सब माला माल हो गए। इसलिए कहते भैया भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले श्रीमद् भागवतम। राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जब कृष्ण प्रेम को लुटाती, ये भागवत है। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं। राधा रानी कृष्ण प्रेम को जो लुटा रही ना, वो लुटा वो चीज को हम लोग ग्रहण सबके सब ग्रहण कर रहे हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी प्रश्न होता है, पर ये भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं? अच्छे तरह से सुनो, मैं कल सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन कौन बोल पाता है। कहते भागवत राधा जी का नाम क्यों नहीं? इसलिए भागवत का पहला टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, सबसे पहले टीकाकार हुए। वो कहते हैं बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण सड़मार्सी के मूर्छा भवे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा जी का नाम लेते थे, कभी ये 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा अगर 6 महीना बेहोश हो गया, मेरे पास में कुल 7 दिन ही है, अभी 7 दिन में परीक्षित को पूरा कथा सुनानी, अगर 6 महीना बेहोश हो गया फिर कथा कैसे सुनाऊं? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं दिया। दूसरा कारण बताए, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे तेरे नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करूं? राधा जी का निर्देश है, बोले मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे को इनडायरेक्ट रूप में लेना। इसलिए देखो वहां पर कहीं रमा शब्द आता है, कहीं श्री शब्द आता है, कहीं बधु शब्द आती है, कहीं लक्ष्मी शब्द आती है। ये जो शब्द है वो राधा रानी के लिए बताई गई है, क्योंकि कृष्ण को साथ में अगर कहीं रमा बोलेगा तो फिर कौन? राधा जी के उद्देश्य करता है। नारायण को साथ में अगर कोई रमा शब्द करेगा वो लक्ष्मी को उद्देश्य करता है। अगर राम को साथ में कहीं अगर लक्ष्मी शब्द आएगा वो किसके लिए होगा? वो सीता के लिए होगा। अगर कृष्ण को के लिए अगर कृष्ण को साथ में कहीं रमा कहीं लक्ष्मी शब्द, उसको किसको उद्देश्य होता है? श्री राधा रानी को उद्देश्य होता है। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को उन्होंने घुमा घुमा करके लिया। तीसरा कारण बताए, कहते जैसे उदाहरण देता है, जैसे मेहंदी, आप लोगों ने मेहंदी लगाते कि नहीं माताएं? आप बताओ तो मेहंदी पत्ते देखे हो? बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? अरे बोलो, कोई बोल नहीं रहे? हरा। लेकिन क्या वास्तव रूप में हरा है? क्या वो क्या है? लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरा। लेकिन उसको पिसोगे तभी हरा हरा दिखेगा। लेकिन माताएं जब मेहंदी हाथ में लगा देते हो, फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल। फिर महीना तक छूटती नहीं। इसलिए भागवत में ऊपर से देखोगे ना, पूरा 10 स्कंध में कृष्ण 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 ही दिखेगा, वो हरा हरा दिखेगा। लेकिन वो हरा हरा नहीं, वो लाल है। लेकिन वो कब प्रकट होगा? जो उसको पिसो, जब पिसोगे ना, वो साधन जब करोगे, पूरा वो लाल लाल दिखेगा। मतलब क्या दिखेगा? वो कृष्ण कृष्ण नहीं, उसमें क्या दिखेगा? श्री राधे राधे दिखेगा। चौथा कारण बताए, अगर किसी बात को अगर छुपा करके बोलो ना, जैसे पेपरमेंट जैसे सेंट है, उसका ठिपी को बंद कर रखते अगर खोल दोगे वो उड़ जाएगी। इसलिए किसी प्रेम चीज को अगर छुपा करके रखोगे ना, उसका महत्व है। हैं, कोई बात को अगर छुपा करके बोलो, आप लोग रामायण देखे होंगे, जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे, एक गांव में पानी पीने के लिए बैठे, वहां पर सीता जी को कुछ माताएं बैठी गई, उसमें राम लक्ष्मण थे, कुछ माताएं पूछ रही है, बोले इसमें तुम्हारी पति कौन है, ये दोनों क्या लगते हैं? इतने में सीता कहती है, ये जो धनुष है धारण है ना, ये लक्ष्मण है, ये मेरे देवर है, और वो जो है ना दूसरे, ये देवर के बड़े भाई है, देवर के बड़े भाई। मतलब क्या हो गए, समझ में आएगी नहीं? ये मेरे देवर, ये देवर के बड़े भाई। उनने डायरेक्ट नहीं बोले राम मेरे पति है, लेकिन उसने इनडायरेक्ट बोले ये मेरे देवर है और ये देवर के बड़े भाई। बोले हाँ तुम्हारा भरता है ना, बोले भरत का नाम, बोले भरत का नाम थोड़ी बोलते हैं। इसलिए कहते किसी बात को जब घुमा करके छुपा करके बताओ, जैसे माताएं जैसे घूंघट घूंघट लगाती हो, इसमें सुंदरता लगती है घूंघट में हैं, लेकिन अगर घूंघट खोल कर चलोगे जितने सुंदर से सुंदर ही हो कोई नहीं देखेगा, लेकिन जितने कुरूप क्यों नहीं, घूंघट खोल के घूंघट उगाड़ करके चलो दुनिया तुमको देखेगी। उसी तरह प्रेम को जब छुपा करके कोई बात खोलोगे ना, उसमें माधुर्य है। इसलिए यहाँ पर राधा जी का नाम को इन्होंने स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं किया, छुपा करके राधा जी का नाम बताया, ये एक कारण है।
उसका पंचमा कारण बताए कि जैसे नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक जानवर, एक चिड़िया, इंसान सब के सब पी सकते हैं, लेकिन कुएं में जो पानी हो ना सब नहीं पी सकते हैं। जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र हो ना वही वो पानी को पी सकता है। इसका तात्पर्य किया, बोले नदी का पानी ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, एक इंसान सारे जीव कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो राधा जी की भक्ति है ना वो कुएं का पानी है। ये पानी को जैसे कुएं में जो पानी हो वो ठंडा होता है, निर्मल होता है, और जो नदी में कोई स्नान कर रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई जानवर खा रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी देखो तो निर्मल पानी है। वो पानी वो क्या है? बोले राधा रानी की भक्ति। अब राधा रानी का भक्ति कौन कर सकते हैं? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो ना वो पानी वही पी सकते। बोले तात्पर्य क्या है? बोले भैया जब तक कोई रस्सी संत को शरण में नहीं जाओगे, जो राधा रानी की भक्ति करने वाले, राधा जी को प्रेम करने वाले, जब तक ऐसे संतों के शरण में नहीं जाओगे, भैया राधा जी की भक्ति इतने दुर्लभ भक्ति है, राधा जी की भक्ति इतने दुर्लभ नहीं। जिनके चरण की सेवा स्वयं बैठ पैलोट राधिका पायन, तो जिनके चरण की सेवा बांके बिहारी खुद करते हैं। बांके बिहारी सेवा कुछ जाओगे वृंदावन में, सेवा के नाम क्यों पड़ा? कृष्ण जिनके चरण की सेवा की, भैया उनकी भक्ति इतने सहज में मिलने वाले नहीं। इसलिए उनको पाने के लिए ऐसे रसिक, ऐसे जिस संप्रदाय में राधा रानी की भक्ति होती है, अगर उसी संप्रदाय में जुड़ोगे तो फिर राधा जी की भक्ति मिलेगी, नहीं तो भैया राधा रानी की भक्ति तुम्हें मिलने वाले नहीं। इसलिए कि संत कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष तद भाव गंभीरचिता कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। एक संत कह रहे हैं, कहते भैया जब तक तीन चीज को नहीं अपनाओगे राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी, और राधा रानी की कृपा नहीं होगा तो बांके बिहारी तुमसे बहुत दूर है। बांके बिहारी टेढ़े टांग वाले उनको मिलने वाले नहीं, वो तो बड़े टेढ़ी टांग है। बोले तीन चीज को क्या अपनाओगे? बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु। बोले जब तक इसे राधा रानी के चरण को धूल का आश्रय नहीं करते हो, दूसरे चीज राधा रानी चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करते हो, और सबसे कीमती चीज है राधा जी की भक्ति में जो सराबर हुए जो संत हैं, जिसने राधा रानी को ही अपना जीवन का सर्वस्व समझे। बोले ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाओगे भैया, कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ, कहां बांके बिहारी मिलने वाले, इतनी सहज में वो नहीं मिलेंगे। पहले राधा जी की कृपा होगी तभी बांके बिहारी तुम्हें मिलेगा। इसलिए यहाँ पर श्री श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी की बहुत कारण है, राधा जी का नाम को उन्होंने क्यों ग्रहण नहीं किया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। अभी राधा रानी की जन्म कथा सुनते हैं, कल आपको सुनाएंगे भागवत में कहाँ कहाँ राधा रानी, ये बहुत रहस्य बात है, कहाँ राधा जी का नाम सुखदेव गोस्वामी किस किस रूप में कहाँ कहाँ पर उन्होंने ग्रहण किया, इसको आप कल सुनेंगे। अभी राधा जी की जन्म कथा सुन लो। कहते श्री वृषभानु महाराज, कहते घर में इनके बेटा है कि श्रीदाम भैया है, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए श्री वृषभ एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि घर में सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, घर में कौन आई है जोर से बोला, लेकिन घर में कोई बेटा आए कोई कहता है नारायण आया है, कोई कहते हैं, लेकिन बेटी आए तो दुनिया क्या कहता है, घर में कौन आए लक्ष्मी। आप देखना जब बेटी की दान करते हो ना लक्ष्मी रूपा मान करके, बेटी दान लक्ष्मी रूपा मान कर बेटी दान होती है, इसलिए कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानी गई है। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर घर में कोई बेटी हो जाए ना पहले नाना नानी की अवस्था खराब, तो घर में बेटी कैसे बोलने जन्म दे, लेकिन बेटा आ जाए ना बड़े खुश होते हैं। नहीं भैया, अगर दुनिया में बेटा बेटा हो जाए माताएं नहीं हो ये दुनिया रह सकती है, बचेगा दुनिया? दुनिया अगर अभी ऐसे ऐसे होते होते जो बड़े बड़े बढ़िया लोग हैं ना अभी उनका बच्चे लोग कुंवारा रहने लग गए, क्यों? बेटी है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। और माताएं क्या करती जब पता लगता बेटी है ना, फिर उसको मार डालती। भैया ये भ्रूण हत्या को बहुत बड़ा पाप मानी गई, घर में बेटियां आए ना, अब देखना जिस घर में बेटी आएगी ना लक्ष्मी घर में कृपा करती है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटियां हैं,
इसलिए कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए जो ठाकुर का आशीर्वाद से जो आता है उनको आदर करके घर में रखनी चाहिए। जाओ तो काम है उनको ले आना, उनको देखो क्या तैयारी है। इसलिए अभी वृषभानी महाराज सोच रहे घर में एक बेटी होनी चाहिए। इतने में वृषभानी महाराज का नित्य नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे। लेकिन जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में किलकारी मारते हुए बड़ी सुंदर एक लाली यमुना में बहते बहते आ रही है। और ये वृषभानी महाराज का तरफ में बहते बहते आ रहा था। वृषभानी महाराज पानी में उतरे और श्री राधा रानी को वहां से उन्होंने उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और उन्होंने ला करके कीर्ति का सुंदर को दिया। बोले कीर्ति दे, देखो ठाकुर जी की कितने बड़ी कृपा है, आज ठाकुर जी हमें की कन्या प्रदान की। और उन्होंने बड़े आदर पूर्वक राधा रानी को पालन कर रही थी। लेकिन नारद जी ने देखा कृष्ण कभी अकेले नहीं आते, कृष्ण 15 दिन पहले आए, जरूर उनकी स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति ये भी जरूर कहीं जन्म हुई। इसलिए नारद जी गली गलियों में जा जाकर घर घर में पूछ रहे थे कहीं तुम्हारे घर में लाली हुई कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने आए वृषभानी महाराज जी घर में, उन्होंने पूछा घर में कोई संतान हुआ है, तब उन्होंने श्रीधाम भैया को दिखाए। बोले नहीं घर में कोई लाली हुई कि नहीं, चुप हो गए। तो यमुना से उनको मिली है? बोले हाँ। बोले लाओ। जब उन्होंने लाए ना, देखा श्री राधा रानी, देख करके प्रसन्न हो गए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री कृतिका कुमारी की जय। बोले वृषभानु राज नंदिनी की जय। जय जय श्री राधे। उपराज। बोले श्री राधा रानी की जय। इतने में श्री नारद जी पहचान गए और उन्होंने राधा रानी को स्तुति करना चाहते हैं। लेकिन पिता माता तो सोचते मेरे हमारे लाडली लाली, उनको पता नहीं यही सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी, यही रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद काननेश्वरी, ये यही सब कुछ है। अभी उनको स्तुति करना चाह रहे हैं, उन्होंने बहाना बनाया, जाओ थोड़ा फूल लेकर के आओ, तुम्हारी लाली को हम स्तुति करना चाहते हैं। जब गए ना, इतने में श्री राधा रानी एकदम किशोरी बनकर प्रकट हो गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई। नारद कहते बाबा जल्दी जल्दी स्तुति कर, नहीं तो राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। पर श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं। ये स्तुति का नाम है राधा कृपा कटाक स्तोत्र। अगर इसको कोई पढ़ेगा ना तो इसका इतने महिमा राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार कोई पढ़ ले, बोले राधा रानी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देती है। कितने सारे संतों को दर्शन दिए। मैं इसका 2-3 श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोल लेना। बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगति कदा गयेश सियमा कृपा कटाच भाजनौ अशोक वृक्ष वल्लरि विशाल मंडपल सिते प्रकाश भाज Oh,
श्लोकों को पढ़ने पर एक दिन राधा रानी जरूर उसको अपना गोलोक वृंदावन में अपना सखी रूप में उनको स्वीकार करती बड़ी। इसलिए आप लोग बहुत कुछ पढ़ते होंगे, कोशिश करना इसको जरूर पढ़ने के लिए। जिस घर में ये पाठ हो ना उस घर में राधा रानी का निवास होता है, बड़ी महिमा उसको ऊपर में जरूर राधा रानी की कृपा होगी। इसलिए श्री नारद जी प्रसन्न हो गए। इतने में वृषभानु महाराज सबको बुलाया, आज मेरे घर में लाली भई है, उत्सव होएगा, आओ। इतने में श्री मैया जसोदा भी कृष्ण को लेकर के आए, और राधा रानी जन्म से आंख बंद की हुई थी, सोच रही थी सबसे पहले कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगी। इतने में श्री नंद मैया जसोदा कृष्ण को लाए, जहाँ पर राधा रानी लेट हुई थी ना वहीं पर लेटा दिया। इतने में कृष्ण राधा रानी के ऊपर हाथ रख दिए, और कृष्ण का हाथ स्पर्श होते ही राधा रानी के तो रोम रोम खिली उठी। जब उन्होंने सामने देखा श्री कृष्ण का दर्शन की, वृषभानु महाराज प्रसन्न होकर के बड़े धूमधाम से राधा रानी की महोत्सव को बनाई। बोले श्रीमती राधा रानी की, प्रभु जी अभी राधा रानी के बधाई गाएंगे। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े होकर के राधा रानी, राधा रानी का कीर्तन में जो नाचेगा ना, राधा रानी लक्ष्मी है ना, घर में खूब लक्ष्मी आएगी, राधा रानी की खूब कृपा होगी। बोलिए श्री राधा।